पुरुषा प्रकृति स्थो ही घूमते प्रकृति स्तो ही प्रकृति जान गुणान घूमते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्या कारणं गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु सद असत योनि जन्मसु उद्रष्टा हनुमंता च उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो परमात्मे इति चापि युक्तो देहस्मिन् पुरुषा परः देहस्मिन् पुरुषः परः मां च यो अविचारेण मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समेतत् एतान् सगुणान् समिति एतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते अवयवांशो जीवलोके अमेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूत सनातनाः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहोनश्च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च आहुः वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति न न शोचति न काङ्क्षति काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति भक्त्या भक्त्या माम् अपि जानाति मामभिजानाति यावान् याश्च अस्मि तत्त्वतः यावान् अश्रामी तत्त्वताः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते तत् अनन्तरम् मन्मनाभो मद्भक्तो मन्मनाभव मद्यादि मां नमस्कुरु मद्यादि मां नमस्कुरु मामेष्यसि सत्यं ते मम एव श्री सत्यं ते प्रतिजाने जानी प्रियोसि मे प्रियसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मा एकं शरणं व्रजः माम् एकं शरणं वच अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मां शुच तो अभी हम जैसा हमने कल चर्चा किया था, तो आज हम 16 अध्याय का 23 और 24 श्लोक जो है वो आखिरी श्लोक उसको हम खत्म करेंगे। फिर बाद में हम OBA यानी कि ओपन बुक क्वेश्चंस और क्लोज बुक क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। और जिनको भी नोट करना है तो पेन और पेपर ले लीजिए, तो फिर हम शुरू करेंगे। तो अभी हम इसी श्लोक पे जाएंगे। मैं साथ उच्चारण कीजिए। यह शास्त्र विधि सृज्य यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तन्ते कामकारतः वर्तते कामकारतः सिद्धिम अवाप्नोति न न सुसिद्धिम् अवाप्नोति सुखाम् न पराम गतिम्। न सुखाम् न पराम् गतिम् हाँ,
इसका मतलब जी आप अनुवाद पढ़ सकते हैं। फॉन्ट बड़ा कीजिए ना थोड़ा, हाई स्कूल, पढ़ू क्या? एक मिनट मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। हाँ अभी पढ़ सकते हैं माता जी। हाँ पढ़ सकते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य पढ़ेंगे? ठीक हाँ नहीं एक मिनट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। है। तो यहाँ पर अभी भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो अब तक हमने चर्चा किया कि अलग अलग जो देवी प्रकृति है असुर प्रकृति है, तो उसमें अभी ये इस अध्याय के अंत में भगवान कंक्लूजन कर रहे हैं, निष्कर्ष ये कर रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र को पालन करेगा तो वो जो है वो भगवान का भक्त है, और जो शास्त्र को पालन नहीं करेंगे तो वो असुर है। इसलिए यहाँ पर अभी जो लोग शास्त्र की विधि को पालन करते हैं तो उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो उसका क्या क्या फायदा है, तो अभी जैसे भी हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फायदा होता है तभी कोई व्यक्ति उसको करता है, इसलिए अभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद ने क्या क्या कहा, आचार्य ने क्या क्या कहा, मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। तो इसलिए अभी जो व्यक्ति काम कारक मतलब मनमानी ढंग से काम करता है तो उसका क्या दशा होता है, ये भगवान इसमें बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपने भी मतलब अपने मनमाने ढंग से काम करता है, मनमानी करता है, और साथ साथ जो भी विधि विधान दिए हुए हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए उन सबका भी त्याग करता है, और साथ साथ जो नहीं करना चाहिए वो करता है, तो न स सिद्धि अवाप्नोति, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर सिद्धि का अर्थ क्या होता है, तो जो अष्ट सिद्धि है अनिमा लघिमा महिमा वो सिद्धि नहीं। तो यहाँ पर हमें अलग आचार्य अलग अलग चीज बता रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह से बता रहे। तो श्री बल्लभ विद्याभूषण यहाँ पर कह रहे हैं कि न स सिद्धि अवाप्नोति, तो सिद्धि मतलब कि जो हृदय की शुद्धता है हृदय का शुद्धिकरण है तो उसके हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा अगर वो इस शास्त्र की विधि को पालन नहीं करेगा। फिर विष्णु चक्र चक्रवर्ती की उसका परफेक्शन है, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, मतलब जो भी हमें परफेक्शन चाहिए भक्ति में भगवत धाम जाने के लिए तो वो उसे होगा नहीं। क्यों, हमें हमारे हृदय को शुद्ध क्यों करना है, हमको सिद्धि क्यों चाहिए, ताकि हम हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। इसलिए अगर हम शास्त्र को नहीं पालन करेंगे तो हमें हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो भौतिक लक्ष्य भी और आध्यात्मिक लक्ष्य भी, तो दोनों भी इसमें आता है। तो फिर अगर भौतिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा आध्यात्मिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा तो फिर जो आनंद है तो आनंद तो दूर ही रहा, तो इसलिए हम मुझे खुशी हैप्पीनेस जो चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर विष्णु चक्र होते हैं हैप्पीनेस, और प्रभुपाद और बलदेव दर्शन कहते हैं कि पीसफुलनेस या शांति, तो हमसे हमको मन की शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, तो वो शांति भी आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें दोनों भी शांति है, आध्यात्मिक शांति भी और भौतिक शांति भी। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई कार है या कोई भौतिक वस्तु है यंत्र है, जब भी हम कोई यंत्र खरीदते हैं तो उसका मैनुअल रहता है, उसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए कैसे चलता है, तो अगर हम उस मैनुअल के हिसाब से अगर उसको चलाएंगे तो क्या होगा कि वो परफेक्टली काम करेगा, योग्य रीति से काम करेगा, लेकिन आप कैसे मनमाने ढंग से उसको चलाएंगे तो क्या होगा वो खराब हो जाएगा, या हो सकता है आपका अपघात भी हो सके। इसीलिए वैसे ही जो हमारा जीवन है हमारा शरीर है प्रकृति है, तो उसमें भी भगवान ने विधि विधान बनाए,
तो अगर हम उसकी विधि विधानों के हिसाब से ही चलेंगे तो हम खुश रहेंगे, और कैसा भी अगर तोड़फोड़ करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमको खुशी भी नहीं मिलेगी और शांति भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से तो ये आपको नहीं मिलेगा। फिर साथ साथ क्या, और जो आपका परामगतिम है, तो जो अभी हम देख रहे हैं कि योगी या जो भक्त लोग हैं वो इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए उनका क्या है कि उनको उस वृक्ष की खोज करना है, खोज करना है, खोज करते करते ऊपर जाना है, और सबसे जो मूल है इस वृक्ष का वो है भगवान कृष्ण, तो उनकी तरफ उनको जाना है जो परामगतिम है। तो वो परामगति भी उसको प्राप्त नहीं होगी क्योंकि वो पूरे इस वृक्ष में खो जाएगा। तो हमने देखा कि जो वृक्ष कितना जटिल है, तो उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो जो आपकी इच्छा है उन सब इच्छा वो पूरा कर देगा, ऐसा वृक्ष है। तो लेकिन आपको वो इच्छा करनी ही नहीं है जो आपको ऊपर जाने से रोकेगी। तो फिर कौन सी इच्छा करनी है कौन सी इच्छा नहीं करनी है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो जो व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है उसको लगा कि ठीक है मेरे को जो भी अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ, तो लेकिन ऐसा कहने से नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर खुश भी है मनमानी भी कर रहे हैं लेकिन आप इस शरीर में कितने दिन तक रहेंगे? कुछ दिनों के बाद आपका ये शरीर चला जाएगा, तो आप खुशी भी चली जाएगी इस शरीर के साथ, आपके सब प्लान्स भी चौपट हो जाएंगे, फिर वापस आपको अगला जन्म कौन सा मिलेगा आपको पता नहीं। इसीलिए आपको जो है जो सही दिशा सही मार्ग आपको बताएगा उसमें से निकलने के लिए, तो उसके लिए आपको शास्त्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और फिर कोई बोले कि ठीक है हमको तो मार्ग पता है, तो मार्ग इतना आसान नहीं है। तो मार्ग आसान क्यों नहीं है? तो मार्ग आसान इसलिए नहीं क्योंकि हमको ये सब चीज जो पता है कि गीता में पढ़ा है हमको थ्योरेटिकली पता है, लेकिन हमको प्रैक्टिकली अब तक पता नहीं। तो व्यवहारिक रूप से कैसे इससे बाहर निकलना है, तो ये इसका उपदेश जो है वो भगवान हमें 17वें और 18वें अध्याय में करेंगे। तो हमने 14वें अध्याय में क्या देखा कि कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, फिर कभी सत्वगुण में तमोगुण आता है, तमोगुण में रजोगुण आता है, फिर किस समय क्या करना चाहिए ताकि हम सही दिशा में जाएंगे, घूम ना जाए तो हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान उसको विस्तार से बता रहे, तो इसलिए आप मनमानी करेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो ऐसा इसमें कह रहे। तो आगे फिर श्री बलदेव दर्शन कह रहे कि ये जो तीन नरक के द्वार हमें देखे पिछले श्लोक में, काम क्रोध और लोभ, तो अपना जो उन सबको अगर आपको त्याग करना है तो अपना जो स्वधर्म है और जो अपना आश्रम है तो उसका पालन किए बिना वो उसको त्याग ही नहीं सकता। तो मतलब अगर आप आपका जो वर्ण है और आपका आश्रम और आपका जो धर्म है उसको अगर आप सही तरह से पहचानेंगे ही नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ कि वैश्य हूँ, तो अगर उसको पहचानेंगे उसको पहचानने के बाद उसको अगर उसका पालन नहीं करेंगे फिर कभी भी आप इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएगा। हमेशा आप कुछ ना कुछ करके आप वापस आप में काम क्रोध और लोभ आ ही जाएगा किसी न किसी प्रकार से। तो इसलिए अगर आपको इस नरक के द्वार से अगर बचना है तो आपको आपका धर्म पालन करना चाहिए, और आपका आश्रम का जो नियम है जो भी जिस आश्रम है जो गृहस्थ आश्रम है उसको गृहस्थ आश्रम का नियम पालन करना चाहिए। तो लेकिन पालन करने से पहले मालूम तो होना चाहिए नियम क्या है और क्या नहीं है, तो ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये सब कहाँ पर दिया हुआ है? शास्त्र में दिया हुआ है, इसलिए शास्त्र को पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगला स्टेप क्या बता रहे, तो जब तक आप आपका वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक आप उस तीन नरक से बच नहीं पाएंगे। अगर आप नरक में जाओगे तो आप खो जाएंगे क्योंकि आप इतना दूर चलेंगे भगवान से कि आप एक मलेच्छे बन जाएंगे या सुअर बन जाएंगे कुत्ता बन जाएंगे, तो उसमें कितना भी आपको प्रचार किया तो भी आप बाहर गया पाए, जिससे नरक में जाना तो दूर हमको जाने नहीं। तो नरक से बचना है तो हमको स्वधर्म का पालन करना है, लेकिन स्वधर्म का पालन करना है तो कैसे करना है, तो इसको जानने के लिए सिर्फ आपको एक ही मार्ग है और वो है शास्त्र को पढ़ना। और केवल पढ़ना नहीं है तो उसको अपने जीवन में उतारना भी, उससे भी मुश्किल। तो पढ़ने के लिए हम कैसे तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 घंटा हम ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़े खत्म हो गए तो मैं तो फ्री हो गया आप भी फ्री हो गए। तो लेकिन ऐसा नहीं, आप फ्री हो जाएंगे मैं भी फ्री हो जाऊंगा, लेकिन हम दोनों भी इस भौतिक प्रकृति से फ्री नहीं हो गए या तीन गुणों से हम मुक्त नहीं हो गए, तो उसके लिए हमको उसको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्लास यहाँ पर खत्म नहीं होगा,
तो ये जीवन के अंत तक चलेगा, भगवत धाम जाने तक इसका जो है चैप्टर चलते रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो शास्त्र को पालन करता है। तो इस तरह से प्रभात बता रहे हैं। तो फिर आगे अभी प्रभात भी वही बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति थेरोटिकली या अव्यवहारिक रूप से उसको जान सकता है कि ठीक है ऐसा ऐसा है, हम शास्त्र फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब तक वो खुद व्यक्तिगत रूप से उसको करता नहीं है, उसकी बारीकी उसको समझ में नहीं आती, तब तक उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। फिर प्रभुपाद आगे ये भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सब जानता है लेकिन अपने जीवन में इसको उतारता नहीं है, तो वो सबसे बड़ा अधम है। मतलब तो हमको भी वो बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा अपेक्षा करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है मनुष्य जीवन अगर उसको प्राप्त हुआ तो उसको एक साधु व्यक्ति होना चाहिए, एक सोबर व्यक्ति होना चाहिए, उसको सभी रूल्स फॉलो करना चाहिए इसको करने के लिए। तो यहां तक प्रभुपाद ने बताया। फिर प्रभुपाद जी इसके आगे भी बताते हैं, तो उनका मूड अलग है। तो सिर्फ प्रभुपाद जी को जो है, प्रभुपाद ने जब भगवद्गीता लिखा तो उन्होंने सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं लिखा कि भाई हमको भगवद्गीता लोगों का एक्सप्लेन करना है, भगवान का प्रभुपाद का उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों को सिर्फ गीता समझे करके। तो प्रभुपाद का उद्देश्य था कि लोगों को गीता समझे भी और उसको पालन करके वो उससे मुक्त भी हो पाए, भगवत धाम भी जा पाए। तो इसलिए प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि मान लो कि आपने गीता पढ़ ली, उसका विधि विधान का पालन भी किया, जो भी मॉरल है या जो नैतिकता के जो नियम है उन सब का भी पालन किया, वर्ण आश्रम का पालन किया, जो ब्राह्मण उसने ब्राह्मण कार्य किया, सब कुछ किया, फिर भी अगर व्यक्ति इस स्तर पर नहीं पहुंचता कि जिस स्तर पर वो भगवान को समझ सके, तो उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। तो इसलिए केवल वर्णाश्रम पर आपको हमको अटक के नहीं रहना है, हमको उसके आगे जाना है। तो जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं जानता, भगवान के जानने के स्तर तक नहीं पहुंचता, भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, तब तक वो निकल नहीं सकता। तो नेक्स्ट प्रभुपाद अभी ये मैं बता रहा हूँ। फिर बाद में वो बोलते कि अगर वो भगवान को जान भी ले तो भी क्या फायदा, जब तक वो भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाता है, तब तक तो उसके सारे जो अटेम्प्ट है, उसके सारे जो प्रयास है वो विफल हो जाएंगे। इसलिए हमको उधर तक भी नहीं रुकना है, हमको भगवान की सेवा में लगना है, तो ही हम इससे बाहर निकल पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो फिर कुल यार इतना सारा सेवा हम कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, अभी घर की जिम्मेदारी भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, फिर हम क्योंकि हम अभी पुरुष होता नहीं होता, हमको कुछ बहुत ही इच्छाएं होती है, कुछ हमारी आदतें होती है जो हमें छोड़ने के लिए हमको इतना अच्छा नहीं लगता है, हमें हमेशा लगता है कि हाँ भाई हमारे घर वालों के साथ रहना चाहिए, तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए इस तरह से। तो लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, और फिर अभी आप बोल रहे कि भक्ति भी करना चाहिए और शास्त्र को भी याद कर लेना चाहिए, कैसा होगा तो ये सब चीज हम क्या क्या करें, कब करें। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि इसीलिए व्यक्ति को धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको ऊपर उठाना चाहिए कृष्ण भावना रूप में। तो इसलिए कोई भी चीज जो है अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है, क्योंकि आपको सब कुछ करना है, बुरी चीजों को छोड़ना भी है, चीजों को पकड़ना भी है, और उसमें सिर्फ पकड़ना है उसमें अच्छे से पकड़ना है, उसमें और डिटेल में जाना है, इसलिए हर एक चीज को धीरे 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 करना है, और धीरे धीरे करते करते फिर उसमें से ऊपर उठना है। तो इसलिए हमें बहुत धीरे धीरे इसको करना चाहिए, तब तभी आप उसको जो है क्रैक कर पाओगे या निकल पाओगे। तो इसलिए भक्ति भी हम जो प्रगति कर रहे हैं या हम जो अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जोश में आके एक दिन पूरा 16 माला किया, दूसरे दिन 32 माला किया, तीसरे दिन 38 माला किया, फिर चौथे दिन 64 माला किया, फिर बाद में कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रॉकेट ऐसा ऊपर गया फिर बाद में चले गए आकाश में, कहाँ गया पता नहीं। तो हमें स्टेडीली भक्ति करना है धीरे धीरे, और उसको बढ़ाना है, और फिर जो आपने बढ़ाया है उसको मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया फिर चले गए। तो इसलिए इसको करना इतना आसान नहीं है,
और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन के अंत तक आप क्या है इसको प्राप्त कर लेंगे, अगर आप तीव्रता से करेंगे। तो आप सब उसका उदाहरण आपके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं कि जब आप भक्ति में आए तो आपने सिर्फ एक बार मंदिर में आया, प्रसाद खाया और आपको अच्छा लगा, तो उसी समय अगर आपको पहुंचे कि आप प्रसाद भी खाओ, आप सोलह माला भी करो, आप क्लास भी दो, अगर आपको पहले दिन बता भाग जाते तो आपसे प्रसाद खाया, फिर एक महीने बाद दो महीने बाद आपने कुछ एक लेक्चर सुन लिया, फिर कुछ दो तीन महीने बाद आपने एक माला चालू किया, फिर धीरे धीरे दो तीन चार, फिर कुछ लोग सोलह माला कर रहे हैं, कुछ चार प्रिंसिपल फॉलो कर, तो इस धीरे धीरे आपको 4-5 साल लग गए या ज्यादा साल लग गए, तो लेकिन अभी आप स्थिर है। तो वैसे हर एक को जो है अपनी गति निर्धारित करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने कर्म के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से बंधा हुआ है। तो किसी किसी को बहुत सारा टाइम है, किसी किसी को बिल्कुल टाइम नहीं है, तो उसका जो भी परिस्थिति उस परिस्थिति में रहकर दूसरों को ना देखना, दूसरों को देखना नहीं हमारा, अगर ये तो 25 साल चल रहा है या फिर 16 ही कर रहे, तो हर एक का स्थिति अलग है, इसलिए उसको देखकर हमें व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेके आगे बढ़ना है, इस तरह से हम इस स्तर पर पहुंच पाए। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने उसको उल्टा बता है। तो लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि ये सब, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र के में जानता है कि इस चीज प्रतिबिंध है या ये करने नहीं चाहिए, फिर भी वो अगर उसको कर रहा है तो उसको बोलते हैं विमसिकल बिहेवियर, या मनमाने ढंग से करना, मनमोह जी उसको बोलते हैं। तो मनमोह जी माया का फौजी सुदामा ब्रू कहते हैं, तो वो भगवान की तरफ समझने के लिए माया का वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन पाएगा यंत्र, तो वो माया का यंत्र बन के हमको और फंसाएगा इस तरह से। तो फिर ऐसे जो लोग हैं जो शास्त्र को पालन नहीं करते, तो वो कहते हैं कि भगवान उनको कंडेम कर दिया, उनको नरक में डाल देते। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। तो इसलिए इसके कंक्लूजन में प्रभुपाद ऐसे कह रहे कि जो मनुष्य जीवन है उसका उद्देश्य विशेष रूप से खुद को स्वच्छ करना है, हमारे जो अस्तित्व को शुद्ध करना है, और जो व्यक्ति विधि विधानों को पालन नहीं करेगा वो अपने को शुद्ध नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो कभी भी जो सच्चा आनंद है, जो शाश्वत आनंद है, कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसा इस श्लोक में कहा है। तो इसमें अभी क्या है कि कोई भी चीज कहने का एक तरीका होता है, तो इस पे भी मैं कल सोच रहा था, तो मुझे एक अलग दृष्टिकोण मिला था, वो भी शेयर करता हूँ। तो अभी यहाँ पर प्रपात्र की जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को पालन नहीं करेगा, ना उसको सुख मिलेगा, ना उसको गति मिलेगी, ना उसको सिद्धि मिलेगी। तो प्रपात ऐसा भी कह सकते, या भगवान ऐसा भी कह सकते थे कि जो व्यक्ति शास्त्र को पालन करेगा उसको सुख मिलेगा, सिद्धि मिलेगा, लेकिन उसमें नेगेटिवली क्यों बोला कि अगर आप ये नहीं करो तो आपको ये नहीं मिलेगा, है ना? तो उल्टा से कर, अभी अगला श्लोक आप देखिए, अब हम उसको उच्चारण करेंगे। चौबीस आई थिंक आपको दिख रहा है, हाँ तो साथ साथ बोलिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते, तस्मात् लक्ष्मण प्रमाणं ते, शास्त्र कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, कार्य ज्ञात्वा अकार्य शास्त्र विधानोक्तम, व्यवस्थितौ कर्म कर्तुम इहार्हसि, कर्म एक कर्तुम मिनट मैं चेंज करता हूँ आपको पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब आप अनुवाद पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकती हूँ, पढ़ू क्या? हाँ इस मतलब अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों का जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें अभी यहाँ पर अभी वापस से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
या भगवान बता रहे कि इसलिए, जैसे हमने कहा कि अगर आपको सिद्धि आपको नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, राम गति नहीं मिलेगी, तो इसलिए आवाज आपको थोड़ा कम जास्त होता है आवाज हरे कृष्ण। आप भी आ रहा है ठीक से? तो आ रहा है आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा आ रहा है, तो रुक नहीं सकते वो काम करते रहे, इसलिए ये सब चीजें हमने जानी है, तो उसका हमें तो इसलिए हमें इसको पालन करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो अभी जो व्यक्ति, अभी अलग अलग व्यक्ति इसको पढ़ेंगे, अभी ये जो श्लोक है इसको अलग अलग व्यक्ति पढ़ेंगे, तो कुछ लोग जो है वो तमोगुण में होंगे तो इसको ये पढ़ेंगे, फिर कुछ लोग जो है वो रजोगुण में होंगे उसको ये पढ़ेंगे, और कुछ लोग सत्व गुण में होंगे और कुछ शुद्ध भक्ति के स्तर पर होंगे, तो अलग लोगों पर अलग अलग ये काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी बता रहे कि जो व्यक्ति इसको पालन, तो यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो विष्णुचरित ठाकुर इसमें कह रहे हैं कि इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, कि आप सभी शास्त्रों को पालन करो नहीं तो आप नरक में जाओगे। तो इसलिए फिर वह नरक में जाएंगे, इसलिए जो व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसको अगर आपको कुछ मोटिवेट करना है, उसको कुछ बताना है करने के लिए, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, उसको दंड देना पड़ता है या पीटना पड़ता है। तो दंड से ही जो तमोगुण व्यक्ति है वो सुधरता है, उसको समझ में आता है। तो देते जैसे हमारे सब्जी मार्केट में हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहां पर गाय गधे ऐसे सब लोग आते हैं, तो उनको देता है सब्जी है तो वो खाने लगते हैं। तो अगर हम बोलेंगे हे गाय हे गो माता, ये जो सब्जी है ये हमारी है, इसको आप खाइए मत, आगे जाइए, तो गाय सुनने वाली कैसा? या कोई भैंस आएगी कि ये भैंस ये जो है आपके लिए नहीं, आप चारा खाए, तो भैंस सुनने वाली है, तो उसको क्या करना, पीटना पड़ेगा फट। तो इस तरह से इसलिए जो व्यक्ति तमोगुण में है तो उसको दंड देना पड़ता है, या दंड से ही उसको समझ में आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग धर्म भी है, तो अलग धर्म में ऐसा पता है कि अगर आप भगवान का पालन नहीं करो तो आप नरक में जाओगे, आप जहन्नुम में जाओगे, इस तरह से वहां पर आप अनंत काल तक रहोगे। तो जो धर्म है तो वो भी अलग अलग स्तर से लोगों को भगवान की भक्ति करने में प्रेरित करता है। तो हमारे सनातन धर्म में भी चारों स्तर है, तो जो सबसे निचले स्तर पर है उनको पता है कि आप ये पाप करोगे तो आप नरक में जाओगे, ये पाप करो नरक में जाओ, तो नरक में जाओगे उसमें आपको बहुत तकलीफ होगा, तो मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, इसलिए मैं शास्त्र का पालन करूंगा। तो ये हो गया, तो ये बोलते हुए तमगुण में क्या होता है, आलस निद्रा और प्रमाद। तो आलसी व्यक्ति को क्या है कि पिटाई चाहिए, तो फिर उसका आलस जाता है, तो इस तरह से। तो इसलिए अगर आप इसका नहीं पालन होता आप नरक में जाओ। फिर जो व्यक्ति रजोगुण में है तो उसको, जो रजोगुण में, तो उसको मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, ऐसा वो सोचता है, मेरा क्या मतलब होगा। तो इसलिए उसको अगर हमको कुछ चीज करने में प्रेरित करना है तो व्यवहार, क्या मुझे इतना तो आपको इतना मिलेगा, आपको ये फायदा होगा। तो फिर इसलिए हमने भागवतम में पढ़ा था कि जो अलग अलग पत्तियां हैं पेड़ की, तो अगर आपको अच्छे पुत्र चाहिए तो आप ब्रह्मा की आराधना कीजिए, और आपको धन चाहिए तो आप कुबेर की आराधना कीजिए, तो ऐसा सब बताया ना। तो इसलिए फिर आप ये, तो आपको ये पुण्य आप स्वर्ग में जाओगे, तो इस तरह से बताया गया। तो इसलिए फिर हमने देखा कि पिछले श्लोक में कि आपको सुख मिलेगा, आपको सिद्धि मिलेगी, तो ये सब लालसा किसके लिए होती है, रजोगुण व्यक्ति के लिए, तो उस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। और जो सत्वगुणी व्यक्ति है तो वो ड्यूटी से प्रेरित होता है, ये हमारा कर्तव्य है कि भगवान ने हमें इतना सूर्य दिया, चंद्र दिया, हमें भगवान खाना प्रदान कर रहे हैं, हमारा देखभाल कर रहे हैं, हमारा ड्यूटी है कि हमको भगवान का उपासना करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये किसके लिए है, सत्वगुण व्यक्ति के लिए, और हमारा कर्तव्य है कि हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए, इसलिए हम शास्त्र पालन करें।
ऐसा वो सद्गुण व्यक्ति सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो ये करने से भगवान प्रसन्न हो गए इसलिए हम ये कर रहे हैं, फिर वो उस मोटिवेशन से काम करता है। तो इसलिए एक ही श्लोक जो है वो आप चार एंगल से देख सकते हैं। तो हमारे इसमें कुछ रजोगुण भी है, कुछ तमोगुण भी है, कुछ सत्वगुण भी है, तो इसलिए हमको सब इंजेक्शन लेने पड़ेंगे या सब गोलियां खानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सब एंगल से आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं, शुद्ध भी होना है, फिर अलग गुण को हमको अलग तरीके से शुद्ध करना है। हमारे जो तमोगुण है उसको हमें दंड से शुद्ध करना है, रजोगुण है उसको फिर हमको कुछ प्राप्त करने के हिसाब से शुद्ध करना है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर बल्लभ देवशन कहते हैं इस 24 श्लोक में कि जो ये वृत्ति है काम क्रोध और लोभ की, तो ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई भी जो व्यक्ति है, तो जो शास्त्र मनुष्य ने लिखे है उससे कभी हम उसको पार नहीं हो सकते। तो ये जो ज्ञान है, ये मनुष्य कोई भी जो ज्ञान है उससे अर्जित किया हुआ ज्ञान नहीं है। ये शास्त्र का जो ज्ञान है ये मनुष्य ने नहीं लिखा है, क्योंकि मनुष्य में जो है चार उसमें फॉल्ट होते हैं। तो ये सब आपको पता है, डिवाइस हम देखते हैं कि पहला क्या है कि हमारे जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है, हमें ठीक से दिखता नहीं है। जैसे भी लाइट अगर चल जाए तो हमको दिखेगा नहीं। तो पहला है कि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो दूसरा क्या है कि हम उसके वजह से भ्रम में आ जाते हैं, एरर करते हैं। तो तीसरा क्या है कि हमारा गलती हो जाता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। और चौथा क्या है कि जब हम गलती करते हैं उसको हम छुपाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से। तो अभी आप इसको देख सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, इजी वीडियो है। सामान तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है कि ये कुत्ता है और उसके सामने मछली पड़ी है। तो मुझे अभी आपको सबसे सवाल पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ये कुत्ता मछली खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा? माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। वो सांप है ना, मछली नहीं, सांप रह हाँ सकता है प्रभु वो। जी, सांप है वो। अच्छा ठीक है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कुत्ता शक्तिशाली है कि सांप शक्तिशाली ज्यादा है इसमें से? प्रभु जी, सांप, कुत्ता चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सांप पॉइजनस है, अगर वो खा भी लेगा तो वो मरेगा ही। अच्छा ठीक है। और किसी को कोई कमेंट्री या कुछ आपका विचार व्यक्त करना चाहिए कर सकते? ठीक है, तो अभी हम इसको प्ले प्रभु जी, करते हैं। कुत्ता खाएगा भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जानवर ज्यादा होशियार होते हैं, उनको समझ में आता है कि किससे मेरा जान जाएगा, दे आर यस प्रोग्राम्ड। यस इसलिए प्रभु जी, वो मरा हुआ है कि नहीं, वो भी अभी उसको शायद वो भी वो सोच रहा है, देख रहा है मेरे ख्याल से। हाँ यस ठीक है। तो हम प्ले करते हैं, इसलिए मैं एक जगह कि जो मनुष्य को जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ। तो ये हालांकि आप जानते हैं, लेकिन मैं अभी इस स्तर पर क्यों बोल कि शास्त्र को हमें जानना चाहिए, इसलिए तो आगे देखते हैं। तो एक्चुअली ये मछली है या सांप है, या ऐसा लग रहा है मछली है या ऐसा लग रहा है सांप भी है, एक्चुअली में क्या है हम भी देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए।
फिर अंत में वापस हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि माता जी ने कहा कि प्राणी को ज्यादा नॉलेज होता है जो चीज नेचर के बारे में, तो वो भी सही है। तो मनुष्य ज्यादा कुत्ते की नाक स्ट्रांग होती है, समझ स्ट्रांग होती है इस चीजों के, इन चीजों के बारे में। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो हमारी समझ ज्यादा होती है। This video shows us one very unlucky doggy. The dog is curious and wonders what's that lying on the ground. Thinking it might be dinner, it tries to bite it. But it just turned out to be a very heavily charged electric eel. And it looks like the dog received quite a bit of damage and decides to go as far away as possible. Come through the crocodile's thick skin. And we can clearly see it in this video here. This reptile thought there's some easy pickings lying in front of it, but then it realized that it was not the case at all. Here's another similar video. ये जो है ये मछली भी नहीं है, ये मछली है, तो इसको कहते हैं ईल करके। आपने सुना है किसी ने ईल के बारे में? जी 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 प्रभु जी, वो करंट रहता है उसमें यस शायद, प्रभु जी, हाँ, जी प्रभु जी को लगा तो इलेक्ट्रिक। अभी आपको करंट आएगी रही है तो सही हो, तो सांप नहीं है। तो इसलिए वो जो है वो सबको अभी उस हारी को लग रहा है कि यार ये तो मछली है, इसको मैं खा सकता हूँ। वैसे मगरमच्छ को लगा कि मैं ये इसको खा सकता हूँ, लेकिन उसको उस मछली ने क्या दिया, शौक दिया। उसे शौक दिया कि ये Video. मछली है। Although in this case, the reptile didn't seem to want to attack the eels. They just sort of met by chance. This man will probably मनुष्य never को भी लगा want कि to ये enter मछली खा Mudhoney हुआ है। ever again. तो फिर बाद में उसने स्टिक यूज किया उसको निकालने के लिए। And in this case, the man only received a minor blow. Who would have thought that even a small eel could bring so much trouble and paralyze a human like that? तो इन सबको लगा कि अरे ये तो साधारण मछली है, क्या करेगी। तो लेकिन उसको शौक दिया, इसलिए ये साधारण जंतु है या जीव है जो हमारे सामने, हमारे हाथ में भी, फिर हमें पता नहीं चल रहा कि क्या है। तो फिर इतना सारा जो सृष्टि भगवान ने की है वो कैसे पता चलेगी? तो फिर कोई बोले कि शास्त्र भी मैं भी, तो फिर शास्त्र तो किसी ने देख के लिखा है, ये तो सामने मुझे दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए जो भी शास्त्र है तो वो भगवान ने नहीं लिखा, मतलब भगवान ने साक्षात उसको लिखा है, समझते हैं भगवता भगवान साक्षात कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र में जो है ये चार जो डिफेक्ट्स है, तो शास्त्र इन चार जो फॉल्ट है उससे परे। तो यहाँ पर विश्व बलदेव दर्शन वही कह रहे कि इसलिए भ्रम, तो शास्त्र में हमें विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में कोई भी भ्रम नहीं है, किसी भ्रम वाले वेद ने उसको लिखा नहीं है, और इसको इंद्रियों द्वारा नहीं लिखा गया है। तो भगवान ने जैसा बोला वैसा वैसा उन्होंने लिखा है, तो इसलिए हम लिखे जिसने लिखा शास्त्र वो भी तो मनुष्य ही था, तो ऐसा नहीं है। तो हालांकि मनुष्य था लेकिन उसने नॉलेज एज इट इज उसको लिखा है, तो इसलिए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। वैसे उसमें कोई ध्यान और फंसाना भी कुछ ऐसा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हमें शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो ये क्यों बताया अभी? क्योंकि अभी सब तरफ से हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप शास्त्र को फॉलो करो, ऐसा कोई बोलेगा ना? भगवान भी कह रहे हैं आप शास्त्र नहीं करो तो आप नरक में जाओगे, तो फिर हम क्यों पालन करें? क्योंकि हमने दूसरे बुक्स भी पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े, उसमें फर्क क्या है? तो यही फर्क है, तो ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्र के ऊपर विश्वास करके उसको पालन करना चाहिए, तो ही हम इस संसार से निकल पाएंगे। फिर आगे और बताते हैं, ये जो श्लोक है तो इसलिए हमें कभी भी इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो
तो इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं कि जो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो आपको करना चाहिए। जहां पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आप लड़ाई करो तो आप लड़ाई करो, क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसलिए। अरे लड़ाई कैसे करे, तो पाप लगेगा। अर्जुन हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में 64 करोड़ लोगों की हत्या हुई, फिर कोई बोलेगा इतने सारे लोग मारे गए तो कितना सारा पाप लगेगा, तो कोई पाप नहीं लगा क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार वो किया गया। तो इसलिए हमें लगता है कि ये गलत है या ये सही है या पाप लगेगा, तो भी शास्त्र में कहा है ना कि आप मारोगे तो आपको पाप लगेगा, फिर भगवान ही कह रहे कि अभी आप उनको मारो करके। तो इसलिए शास्त्र जो है वो भगवान ने कहा है इस तरह से। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि 15वें अध्याय में सब बताया भगवान ने कि ये पूरे शास्त्र भगवान को जानने के लिए है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवत्ता समझ सकता है भगवान कृष्ण के द्वारा और भगवान कृष्ण की शक्ति या सेवा में लगेगा तो ही वो परम गति को प्राप्त हो पाएगा। फिर प्रभुपाद अभी आपसे को पता कि बताते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि पहले क्या है कि हम को चैतन्य महाप्रभु ने ये जो प्रोसेस है बहुत इजीली करके दिया है, बहुत आसान करके दिया है। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। तो इस मंत्र के जप से हमारा सारा जो है मन बुद्धि अहंकार शरीर शुद्ध होगा। फिर दूसरा प्रपद कहते हैं कि केवल भगवान का प्रसाद ही हमको खाना है जो विग्रह को अर्पण किया है, तो ये भक्तों के लिए। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है, जो लोग अभी ये भक्ति के बारे में जान नहीं सके, तो उनके लिए क्या, फिर उनका क्या, आम आदमियों के लिए क्या? तो जो व्यक्ति आम आदमी है जो भक्त नहीं है, तो उनके लिए कहा गया है कि फिर उनको बहुत कठोरता से ये सारे जो वेदा है उनका पालन करना पड़ेगा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो उनको और गहराई से जानकर उसका पालन करना चाहिए। और इन सब का जो स्वीकार है बिना आर्गुमेंट के या बिना वाद किए उसको स्वीकार करना चाहिए। आगे देखेंगे। तो बहुत सारे जो संत हैं, जो महात्मा है या आचार्य है, जो विशेष आत्माएं हैं, तो ये सब भी इस चार जो डिफेक्ट्स उसके परे है, चार दोषों के परे है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं तो जो हम दो भगवान का विभाजन कर सकते हैं। तो एक है निर्विश्वादी या जो भगवान को नहीं मानते, इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं, और दूसरा व्यक्तिगत जो समझते हैं उसको। लेकिन दोनों भी जो है वो इस शास्त्रों का पालन करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इसको समझ पाता है वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है, और जो इसके विरोध में, वही इसके विरोध में जाना ही सारे पतन का कारण है। वे प्रभुपाद एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। तो कोई बोले कि हमको इस जीवन में किसी का असल की तो समस्या क्यों हो रही है, इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि माया देवी हमें चाहती है कि हम इन सब शास्त्रों का पालन करें। तो जो माया देवी है तो तीन गुणों के रूप में, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के रूप में, इन सभी लोगों को तकलीफ दे रही है, ट्रबल दे रही है, क्योंकि हम हमारे शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे। तो जब माया हमें कुछ तकलीफ देती है कि अरे ऐसा क्यों हो गया, हम सोचते, तो फिर उसका उत्तर मिलता है कि हमने शास्त्र में ये जो दिया था हम इसको फॉलो नहीं किया, तो ये इसका निष्कर्ष है। तो इसलिए प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि अगर हम इस प्रकृति से बाहर निकले तो हमें सत्वगुण में आना चाहिए वापस। प्रभुपाद कह रहे हैं तो भगवान की तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता है कि हमें सत्वगुण में आना चाहिए और रजोगुण तमोगुण का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रजोगुण में रहेंगे तमोगुण में रहेंगे तो फिर हम जो पवित्र ग्रंथ उसका अवहेलना करेंगे, होली जो पवित्र दैवी संत है उनका हम अपमान करेंगे, अपने गुरु का अवज्ञा करेंगे, और हमें भक्ति में रुचि नहीं आएगी और हम हमारा खुद एक रास्ता बनाएंगे। तो इस तरह से। लेकिन प्रभुपाद जी अंत में कह रहे हैं कि अगर लेकिन कोई व्यक्ति बहुत बहुत भाग्यशाली है और उसको अगर एक पथ प्रदर्शक या एक गुरु मिलता है तो फिर वो
इस जीवन में बहुत आसानी से इसको पार कर सकता है और भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करते उनका क्या होता है तो कल हमने देखा नरक में, लेकिन एक बार लास्ट में हम वापस देख लेंगे। तो ये अभी हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हमारा जो तमोगुण है तो उसके लिए जो प्रेरणा चाहिए वो हमें मिलेगी। तो इसलिए हम सब भक्त लोग हैं, तो हमने इसका विधि विधान का पालन किया है, तो इसलिए हम सुखी है। लेकिन जिन्होंने इसका पालन नहीं किया है, तो हमारे इस्कॉन संस्था में चार नियम है कि पहला नियम है मांसाहार नहीं करना, दूसरा है व्यभिचार नहीं करना, फिर तीसरा नशा पान नहीं करना, और तीसरा जुआ नहीं खेलना। इस तरह से तो ये सब नियम हमारे इस्कॉन में क्यों बताए गए हैं, ये इस्कॉन के नियम नहीं है, ये भगवान के नियम है। तो लेकिन अगर उसको पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हम देख के फिर आगे बढ़ेंगे। नरक मत का वर्णन है ये, जो कल हमने पढ़ा था लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पाया, तो ये भी कवर कर लेते। इसने शास्त्रों का पालन नहीं किया, तब भी उसका टाइम आ गया जाने का। तो हमने जीवन भर जो भी कार्य किया हमको मृत्यु के समय याद आता है। उसको फ्लैशबैक हो रहा है, तो यहाँ पर आदमी मरता नहीं है, कितना भी इसको मारेगा तो इसको यातना देह मिलता है। तो यातना देह जो है उसमें कितना भी आपको यातना दिया तो भी आपका प्राण आत्मा से निकलता है, विशेष देह होता है। जो भी आपने पाप किए शास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से आपको दंड मिलता है, ये यमराज है।
तो आपको व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लिया जाता है, क्या क्या किया, आपको दिखाया जाता है लास्ट लाइफ में क्या किया। आपके लिए अलग सजा होती है। ये पहला है कुंभी पाल जो पशुओं को उबाल के खाते हैं। सिपत रावण ने कल पढ़ा जो वेदों का फॉलो नहीं करते वो लोग। ये जो शराब के लिए उनके लिए लोग बोला था कि हम ही बहुत क्रूर है, लेकिन ये हम लोग उससे भी क्रूर होते हैं। मतलब काम ही होता है कि जो लोग शास्त्र को पालन नहीं करते उनको तकलीफ देना। तो यमदूत बनने के लिए भी आपको हॉरिबल कुछ क्राइटेरिया होता है। है, हॉरिबल। तो बच्ची ये मूवी है क्या कोई? हाँ, ये मतलब एक वीडियो बनाया है नरक का वर्णन करने के लिए। तो इस सर तरह ये से क्या मैं प्रभु जी ये ग्रुप में हो सकता है क्या सर? ये हमारे ग्रुप में डालो तो हमका घर वाले को भी देखना था। जी एग्जैक्टली नहीं, पहले आप उसको देख लीजिए और फिर बाद में। तो अगर आपको सेंड चाहिए तो नहीं मैं करना है किसी को, बट किसी को ऐसे ही घर में। आपके पास आप रख सकते हैं और व्यक्ति देखकर आप उसको सेंड कर सकते हैं। मतलब जी, एग्जैक्टली जिसका ऐसे शास्त्र में करना। विश्वास है तो वो उसके लिए हाँ ये सही है, लेकिन ये तो क्या वीडियो बनाया हाँ है। इसीलिए बोल रहे हैं मैं, इसीलिए। हाँ हाँ, तो आपके पास रखिए। जैसे मैंने आपको दिखाया तो अभी आप सब भक्ति शास्त्री है तो आपका शास्त्र में विश्वास है। कल हमने एक शास्त्र में पढ़ा और शास्त्र के हिसाब से ये वीडियो बनाया, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। नहीं तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना सकता है। तो इस तरह से तो मैं प्रशांत ब्रू जी को भेज दूंगा। फिर प्रशांत ब्रू आप अगर है तो फिर आप व्हाट्सएप से भेज दीजिए सबको। सबसे चलेगा महात्मा चलेगा। देखकर ही तिलक लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ वो कहते हैं ना, माथा देखकर ही तिलक लगाना पड़ता है, किसी हाँ को नहीं बता सकते। यस। नहीं, इसका वर्णन भी भगवान ने किया है अगर आप देखेंगे तो। मतलब ये खुद भगवान ही कह रहे हैं। हाँ, 18.768। आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए, आपको शेयर करता हूँ उसके लिए। कभी 18वें अध्याय में चले गए हम।
या इदम परम गुह्यम या इदम परम गुह्यम मद भक्तेश्व अभिधास्यति मद भक्तेश्व अभिधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा भक्तिमयं परं कृत्वा मामेव ईषत् असंशयः। माम एव तो तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति भक्तों के मैं पढ़ता हूँ इसको, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। मतलब भगवद्गीता का पूरा नहीं, ये वीडियो नहीं, ये पूरा भगवद्गीता का ज्ञान बोल रहा हूँ। और इसके पहले भगवान क्या कह रहे हैं 67 में, 18.67 में, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। इदम ते ना तपस्काय इदं ते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन ना अभक्ताय कदाचन कदाचन न चाशुषे वाच्यम न च श्रुषे वाच्यम न न च माम यो अभिसूयति। न च तो मां मैं इसको पढ़ता हूँ। ये गुह्यतम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। इसलिए इस संसार में सभी लोग भगवान से द्वेष करते हैं जो भक्त नहीं है। तो इसलिए आपको भगवान खुद कह रहे हैं कि आपको ये ज्ञान सबको नहीं बताना है, आपको लोगों को देखकर उनको समझकर ये ज्ञान बताना है, क्योंकि ये सबसे उग्र ज्ञान है। और पहले बार आप उनको नरक बता देंगे तो फिर वो वापस आपको मिलेगा नहीं। तो फिर पहला चीज तो आपका नवा अपराध होगा कि अश्रद्धालुओं को भगवान के नाम का प्रचार करना, तो उसके से आपका वक्त रुक जाएगा। और दूसरा, वो जो वक्त बनने वाला था भविष्य में, आप कोई अच्छा उसको आप हल्का चीज बता दे तो वो शायद भक्ति स्वीकार करता, तो लेकिन आपने उसको डायरेक्ट फाइनल डोज दे दिया तो वो चला गया, तो उसका भक्ति का नुकसान हो जाएगा। तो लेकिन अभी आप सब लोग स्ट्रांग लोग, इसलिए मैंने आपको स्ट्रांग वीडियो दिखाया तो इस तरह से तो मैं प्रशांत लोगों को भेज दूंगा, आपको शेयर कर देंगे। तो ओके इसलिए प्रभु जी, ओके हाँ, प्रभु इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणंते कार्य अकार्य व्यवस्थितु ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तो इसलिए हम सबको जो है शास्त्र को बारीक से समझना चाहिए, विधानों को जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तो हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमने देखा। फिर करेंगे तो हमको फायदा होगा, तो हमको क्या होगा कि हम ऊपर उठ सकेंगे इससे। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। तो यहां तक किसी कोई सवाल है या प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर रुक के जो OBA और CBA है तो उसका हम चर्चा करेंगे, और फिर बाद में अगर समय बचा तो मैं 17वां अध्याय का पहला श्लोक प्रयास शुरू कर लेने के लिए। तो मैंने नरसिंह अवतार को जो हमारे कोऑर्डिनेटर उनसे पूछा मैंने कि सभी भक्त बोल रहे मुझे मदद, हमें अगर समझने में प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद चाहिए, तो लेकिन प्रभु जी ने भी हाँ बोला है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जिनको भी अगर नोट करना है तो आप पेंसिल पेपर लेके आए, जो भी आपको लिखना है टाइप करना है आप करके उसको नोट कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भक्ति शास्त्री यूनिट 3, तो उसका हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम वापस एक बार देख लेते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे कि हमको पहले समझना है, फिर ज्ञान की स्मृति मतलब हमको याद रहना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार पुनर्स्मृति, तो मतलब एग्जाम में आपको इसको याद आना चाहिए। तो दो एग्जाम है, एक जीवन का एग्जाम और एक भक्ति शास्त्री का एग्जाम, इसलिए हम इसको वापस पढ़ेंगे। फिर बाद में अगर हम उसको याद रखेंगे, पहले तो उसको समझना होगा, अब समझेंगे मतलब ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो 9 स्तर बताए ये भी ऐसे ही नहीं बताए भक्ति शास्त्री में, इसका भी एक उद्देश्य है। तो पहला तो आपको समझना चाहिए कि क्या ज्ञान है, जब समझेंगे तो फिर आप उसको याद रख पाएंगे, ज्ञान की स्मृति होगी, ज्ञान की स्मृति होगी। लेकिन उसको आप जब तक जिंदगी में नहीं आप इम्प्लीमेंट करोगे तब
तब तक आपको आवश्यकता अनुसार आपकी मनुस्मृति नहीं होगी, तो आपको याद नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपको अपने जीवन में उसको उतारना है तभी आपको एग्जाम में याद आएगा, और हमारा जो फाइनल एग्जाम उसमें याद आएगा। तो ऐसा है, फिर अगर हम आपके जीवन में इसको उतार रहे व्यक्तिगत रूप से, तो फिर आपको चौथा जो है तो उसका जो उपयोग है तो वो भी आपको पता चलेगा, आप उसका उपयोग कर पाओगे। फिर अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर उसका उपयोग करें तो फिर तो ही आप उसको प्रचार कर पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहने के आपने आचार्य प्रभु जीवे ने सिखाए, तो अगर आपको किसी को सिखाना है तो पहले आपको खुद को आना चाहिए। तो जैसे अगर आपको किसी को कार सिखाना है कि चलो कार कैसे चलता है मैं आपको सिखा दूं, लेकिन खुद को तो पहले कार आना चाहिए, दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसलिए व्यक्तिगत उपयोग हमें करना चाहिए, तो ही हम लोगों को प्रचार में मदद कर पाएंगे और प्रचार कर पाएंगे। फिर बाद में आगे सिर्फ प्रचार नहीं करना है तो प्रभुपाद का जो भाव और अभिमान है उसको सब करना है, और प्रचार कर रहे समझ में आ गया व्यक्तिगत उपयोग भी कर, लेकिन अगर हमें वो गुण नहीं आए वैष्णव संपूर्णता अखंडता संस्कृति सदाचार और वैष्णव गुण मतलब ये जो दिव्य गुण है, तो फिर तो ही हम भगवत धाम जा पाएंगे। इसलिए हमें इन गुणों को अर्जित करना है, इसलिए हम भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं। और इसको ये जो नौ उद्देश्य है इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षा मदद करेगी, इसलिए हमारी परीक्षा भक्ति शास्त्री रखी होगी। भक्ति शास्त्री परीक्षा में एक ही बार होगी, लेकिन मायादेवी हमें हमेशा परीक्षा लेगी, हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। तो अभी हम मायादेवी का जो परीक्षा हो तो होगा तब होगा यार, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी जो परीक्षा है भक्ति शास्त्री उसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ओपन बुक का चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वो दो ही क्वेश्चन है, और फिर बाद में क्लोज बुक का। तो आप सबको ये प्रश्न दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, तो दिखने का अर्थ है मतलब आपको उसको समझना भी है, तो इसलिए भी मैंने दो ही प्रश्न आपको दिए। तो पहला एक है कि मैं पढ़ता हूँ भगवद्गीता के अध्याय 14 के श्लोकों का और तात्पर्यों की सहायता से निम्नलिखित अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। वे तरीके जिनमें आप स्वयं रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, सत्वगुण का अनुशीलन करने के व्यवहारिक उपाय। तो अभी इसमें मैं यही कहूंगा आप सबको कि 14 अध्याय में ये जो यूनिट 3 है इसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमको प्रकृति के तीन गुण को समझना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए इस सवाल से जो आपको खुद के भाषा में लिखना है, जो शिक्षक है वो ये जानना था कि आपको तीन गुण समझे है कि नहीं। इसलिए ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या आपके जीवन में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, और साथ साथ आप उससे बच सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत उत्तर होगा इसमें। जैसे कि अगर हमारा क्लास, एक एग्जांपल देता हूं, अगर 2:30 बजे है तो अगर मैं 2:26 को उठ के अगर क्लास की तैयारी कर तो क्या होगा, रजोगुण हो जाएगा, बहुत भागना दौड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं क्लास भी जल्दी जल्दी में होगा या हमारा आपका जो क्लास है। लेकिन अगर आप क्लास 2:30 बजे होगा, आप उसके पहले 2 बजे उठ के कि हमने पिछले क्लास में क्या किया, हमने चर्चा किया, फिर अभी आगे क्या होगा, हमने विचार किया, आप खुद उससे पढ़ के आए, तो फिर आपका जो क्लास सत्वगुण में होगा आपका, आपको ज्ञान मिलेगा और आपको आनंद मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो ऐसा मैंने एक तरीका बताया कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें आप सत्वगुण रजोगुण का जो तरीका है इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो, उससे आप फायदा होगा। फिर एक उदाहरण बोलो तमोगुण का कि अगर आप रात को 6 घंटा सोते हो तो आपको अच्छा दिन में ऊर्जा रहती है, लेकिन अगर आप रात को 4 घंटा ही सो रहे हैं, 2 घंटा ही सो रहे हैं, तो फिर आपको तमोगुण से आप प्रभावित हो रहे हैं, आपका क्लास में ध्यान नहीं लग रहा है, आपको नींद आ रहा है सेवा में। तो ऐसे अलग उदाहरण है तो जो आप व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में आप लिख सकते हैं कि वे तरीके या वो फॉर्मूले या आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आप
रजोगुण से बच जाते हैं या उससे प्रभावित होते हैं या उससे निकलना चाहते हैं, वो आपको व्यक्त करना है। फिर आगे दूसरा है, सत्वगुण का अनुशीलन करने के व्यवहारिक उपाय, तो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि सत्वगुण में अगर हम काम करेंगे तो हमको हमारा समय बचेगा। तो अगर हमें कहीं जाना है प्रोग्राम के लिए फैसिलिटी, या जैसे आप अगर अभी समझ में शादी के भी कहीं किसी के पास जा रहे हैं, तो सारा आपका जो सामान है, मोबाइल है, फोन है, गाड़ी की चाबी है, आप लेके जाएंगे। घर छोड़ने से पहले आपका सिलेंडर बंद कर दीजिए, फिर बाद में सब लाइट ऑफ कर लिया, जो भी करना था वो कर लिया। दूध वाले का दूध वाले को बोल दिया कि अभी दूध मत दो, हम 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। वैसा अगर आप कार्य कर तो क्या आपका मन को शांति रहेगी और आपका व्यवहारिक जीवन आसान से चलेगा। तो ऐसा आप एक चीज में आप सत्वगुण का उपयोग करेंगे तो आपको ऐसा फायदा होगा। फिर सत्वगुण में अगर आप रह के पढ़ाई करेंगे तो आपको सब याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, तो जो भी सत्वगुण के फायदे हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो इस तरह से तो मेरा यही प्रभु मत जी एक है। प्रश्न था, हाँ पूछिए मत। ये प्रभु जी जो फर्स्ट है ना, इसमें रजो और तमोगुण से प्रभावित होते हैं ना, तो इसमें हमको जो रजस और तमस की वजह से हमारे जीवन में जो नेगेटिव पार्ट है हमको वो दिखाना, वो ही बताना है ना, वो ही यस एक्सप्लेन यस करना है ना। यस यस और फिर सत्व के लिए हम जो पॉजिटिविटी हम अपने लाइफ में ला सकते हैं बेसिक नियमों को फॉलो करते हुए। थैंक यस यस यू प्रभु जी। हाँ। तो इसमें एक्चुअली कैसा है कि अभी इस 14 अध्याय में सिर्फ उसका कंसेप्ट बताया, या उसका सिर्फ तत्व बताया कि सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, लेकिन इसका व्यवहारिक जो उपाय है ना, तो इसका उत्तर देने के लिए आपको 17वां अध्याय और 18वां अध्याय अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको और उसमें व्यवहारिक फायदे मिलेंगे या व्यवहारिक उपाय मिलेंगे। तो कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे 17वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 में भगवान ने बताया अलग अलग खानों के बारे में, सत्वगुण में भोजन, रजोगुण भोजन, तमोगुण भोजन। तो किस तरह से आप रजोगुणी भोजन खाने से आप परेशान हो रहे, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर 18वां अध्याय में बताया कि जो करता है, तो आप कोई भी कार्य करते हैं, जो भी आपका कार्य करते हैं, तो वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। आपकी जो बुद्धि है वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होती है। आपका दान है, आपकी क्रिया है, तो ये सब चीज जो है ये सब भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं। वैसे आपका जो व्यवहार है, तो जो ब्राह्मण है वो सत्वगुण से प्रभावित होता है, फिर क्षत्रिय रजोगुण से, वैश्य तमोगुण और रजोगुण से, और शूद्र सत्व शूद्र जो है वो तमोगुण से। तो ये सब भी अगर आप 17वां और 18वां अध्याय समझ के अगर आप लिखेंगे तो आपको और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। तो आप 2 चीज कर सकते हैं। एक चीज तो अभी आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से आप उत्तर लिख दीजिए, फिर बाद में 17वें और 18वें अध्याय के बाद आप उसको वापस अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन, इससे आपको फायदा होगा। दूसरा क्या है कि आप इस भक्ति शास्त्री के 18वें अध्याय के एंड तक आप वेट कीजिए, अंत तक, या एटलीस्ट मैं कहूंगा कि श्लोक क्रमांक 55 या 50 तक आप वेट कीजिए, फिर 50 के बाद आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपका उत्तर भी संपूर्ण हो जाएगा। तो किसी को इस सवाल के बारे में डाउट है तो पूछ सकता है कि कैसा लिखना है, क्या अपेक्षित है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा। प्रभु जी, ये जो दूसरा वाला है ना भगवद हाँ, गीता अध्याय, तो इसका थोड़ा सा ये कर, दूसरा अध्याय मतलब जो भगवद गीता अध्याय 14 और 16 में दिए गए तो पाठ के ताकत। हाँ, ये तो दूसरा प्रश्न है। पहला मैं वैसे अभी पहला प्रश्न ले रहा हूँ। पहला प्रश्न क्रमांक में किसी को कोई डाउट है नहीं ना, तो फिर हम दूसरे पर जाते हैं। भाई प्रश्न क्रमांक 2 में, या दूसरा प्रश्न, तो किस उसमें तरह क्या, लिखेंगे हम? हरे कृष्णा प्रभु, हाँ यस हम मैम, किस तरह लिखेंगे कि हम रजोगुण और तमोगुण से कैसे प्रभावित होते हैं? जैसे आप प्रोफेसर वैसे आप लिखिए, तो मैं ऐसा लिख सकते, मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा कि अभी यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सैंपल आंसर बता रहा हूँ। पहले सवाल पूछता हूँ, भगवीता अध्याय 14 के श्लोकों को तात्पर्य की सहायता से, तो मतलब क्या कि आपको पहले वर्णन करना है कि 14वां अध्याय के श्लोक और तात्पर्य से हमें यह समझना है कि सत्वगुण का जो गुण है वो है सुखम और ज्ञानम।
रजोगुण का है भोग और तृष्णा, और तमगुण का है आलस निंद्रा और प्रमाद। तो हमें क्या करना है कि हमको प्रभुपाद का जो परपट है और जो ट्रांसलेशन उसको लेकर हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो स्वयं के जीवन में आप रजोगुण और तमगुण से प्रभावित होते हैं, तो फिर आप लिखेंगे कि हम मैं जो हूँ या जो माता जी भाषा की भक्ति करते समय मेरा यह अनुभव है कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो अगर मेरा ऑफिस साफ है, सब जो चीज़ है वो वहाँ जगह पर है, तो फिर मुझे सुख और ज्ञान का आभास होता है क्योंकि सभी चीज़ें सामने स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इस तरह से सत्वगुण से मुझे व्यावहारिक फायदा होता है। और वही जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ और चीज़ें अस्त व्यस्त होती है, गंदी होती है, अस्वच्छ होती है, और मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें या कार्य करने का प्रयास करता हूँ, तो मैं जब जब भी करता हूँ, मैं साथ में रसोई भी बना रहा हूँ, फिर साथ साथ में मेरे बच्चों का भी ध्यान दे रहा हूँ, फिर ऑफिस में जा रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, तो रजोगुण में हम बहुत सारे कार्य एक साथ करते हैं। तो ऐसे जब मैं कार्य करता हूँ तो फिर मुझे रजोगुण का प्रभाव होता है। उसके कारण क्या होता है कि मैं ऑफिस जाने के बाद मेरा ऑफिस का जो लॉकर है उसे चाबी भूल जाता हूँ, मुझे वापस गाड़ी चला के वापस 1 घंटा ड्राइव करके मुझे घर पर आके मेरे दफ्तर की चाबी लेके वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा रजोगुण से प्रभावित होने के कारण मेरे को बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। फिर उस तरह मैं कुछ शॉपिंग कर जाता तो मैं बहुत सारी चीजें लाने भूल जाता हूँ, या फिर जो चीज मुझे नहीं खरीदनी है जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो मैं उससे ज्यादा खरीद लेता हूँ। तो इस तरह से तो गृहस्थ के मामले में बताएंगे क्या उसको, आपको उसको विशेष रूप से सोच के लिखना होगा। तो हम देखते हैं कि एक फैमिली है, तो हमारा परिवार में 4 लोग है, तो हम 4 लोगों को रहने के लिए 1 BHK आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो हम सुखी परिवार को एक साल रहने के लिए, 4 लोगों का सुखी परिवार को एक साल रहने के लिए 1 BHK पर्याप्त है। लेकिन हमको लोगों को दिखाना है कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने महान हैं, और हम 10 लोगों को भी हमारे घर रखते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि 1 BHK की जगह पे हमने 2 BHK या 3 BHK ले लिया। तो रजोगुणी कार्य में क्या है कि व्यक्ति बहुत लोगों को शो ऑफ करता है और अपना विस्तार करता है। तो उसके कारण क्या हो गया कि हमारा जो EMI महीने का 20,000 आने वाला था, तो उसकी जगह अभी हमारा EMI 75,000 आ रहा है हर महीने का। तो इसलिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि मेरी जो पत्नी है उसको भी कार्य करना पड़ रहा है। तो सभी लोग दौड़ रहे हैं और हमेशा अधिक कार्य करने से हम शरीर थक जाता है, फिर हमें उस शरीर थके हुए शरीर को जागरूक करने के लिए हमें मसाज करना पड़ता है, फिर उस पर और खर्चा होता है, फिर ये सब करके भी फिर हमें समय पर्याप्त नहीं होता। तो फिर इस तरह से रजोगुण से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको बताया, तो ऐसा आपको आपके व्यक्तिगत जीवन से लिखना है। जैसे मैं कुकिंग करने बैठता हूँ तो मैं एक साथ 15 आइटम बनाता हूँ, तो फिर 15 आइटम तो बन जाते हैं, लोगों को दिखाता हूँ मैंने 15 आइटम किए हैं, लेकिन उसमें से एक भी आइटम इतना स्वादिष्ट नहीं होता। लेकिन जब मैंने सत्वगुण का आधार लिया तो मैंने सिर्फ 4 ही आइटम बनाए, 4 ही हमने पदार्थ बनाए, खाद्य पदार्थ, और वो बहुत स्वादिष्ट, और वो सभी लोगों ने सो खत्म किया। तो हमारा पैसा भी बच गया, प्रसाद भी बर्बाद नहीं हुआ, और हमको सुख और ज्ञान का आभास हुआ कि हम सत्वगुण में काम करना चाहिए। तो ऐसा आपका जो भी व्यक्तिगत उदाहरण है आप दे सकते हैं, और फिर उसमें आपको ये जब आप लिखेंगे तो फिर इसमें लिखना है कि हाँ सत्वगुण का आभास होता, सत्वगुण का गुण है सुखम और ज्ञान जो हमें इससे अनुभव हुआ। फिर रजोगुण का उसमें ब्रैकेट में लिखना है कि हमने 3 BHK लिया, तो रजोगुण का जो गुण है कि कर्मणा अशमास प्रिय, तो बहुत ज्यादा इच्छा चीजों को प्राप्त करने की, भोग करने की इच्छा करने की। तो ये उसमें प्रभुपाद के वर्णन बताया कि जब व्यक्ति बड़े बड़े बंगले बनाता है, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा ऐसा कहा है इस श्लोक के इस तात्पर्य में, इस तरह से आपको रेफरेंस कोट करना है। तो मुख्य उद्देश्य भक्ति शास्त्री का क्या है कि ये भक्ति और शास्त्रीय, तो भक्ति तो है लेकिन शास्त्रीय मतलब क्या कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं तो उसको आपको शास्त्र से प्रमाण देना चाहिए, तो ही आप भक्ति शास्त्री है। इसलिए आप जो भी लाइन लिख रहे हैं, जो भी आप कंसेप्ट बता रहे हैं, तो उसमें आपको रेफरेंस देना है कि श्लोक क्रमांक
अध्याय नंबर 14 श्लोक क्रमांक 10, उसमें क्या बताया कि रजसस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत। तो मतलब कभी रजोगुण आता है तो रजोगुण और तमोगुण को हरा के सत्वगुण आ जाता है, कभी सत्वगुण को हरा कर रजोगुण, तो ये सब। तो इसलिए मेरे जीवन में भी ऐसा हो रहा है, कभी सत्वगुण में होता हो, कभी रजोगुण में होता हो, कभी तमोगुण में होता हो, तो फिर आपको वो कोट करना है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है, तो फिर आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो आपको रेफरेंस नहीं रहा, कहाँ से आप बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं कि शास्त्र से बोल रहे हैं, तो कहीं से भी उठा के सड़क से आप नहीं रख सकते। अब किसी मैंने व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज देखा था, या मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था, ये सब नहीं चलेगा। या मैंने यूट्यूब पर देखा था, या वो प्रभु जी ने ऐसा कहा था, तो प्रभु जी यूट्यूब न्यूज पेपर व्हाट्सएप ट्विटर, मेरे सहेली से मैंने चर्चा किया, मुझे उसने ऐसा बताया, तो ये सब नहीं चलेगा। उसमें आपको रेफरेंस नंबर डालना है, अध्याय क्रमांक 14 श्लोक नंबर 2 उसका तात्पर्य या जो भी है, या फिर 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23 कि आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो मैंने शास्त्र का पालन नहीं किया, मेरा जो गुण में वर्तन किया इससे मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको उसका रेफरेंस भी देना है, ठीक है माता जी? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, जैसे ये इन जनरल भी है इस क्वेश्चन के लिए भी और जो ओपन बुक क्वेश्चंस है ना उनके लिए भी, कभी कभी क्या होता है ना श्रीमद् भागवतम से कोई बहुत ही पर्टिकुलर श्लोका और पर्टिकुलर पर्पोर्ट मिलता है श्री प्रभुपाद का जो हम कोट कर सकते हैं, तो क्या हम भगवद गीता के इसमें हम भागवतम से कोट कर सकते हैं ओपन बुक एग्जाम्स में? लेकिन आउट ऑफ सिलेबस करके तो कंसिडर नहीं होता है? नहीं, आप शास्त्र से कोट करते हो, कोट कर सकते, लेकिन आपको अभी अधिक, अभी आप भगवत का पढ़ाई करते हो, प्रयास कीजिए कि आप भागवतम श्लोक कोट कीजिए, लेकिन भगवदगीता जो आपसे अपेक्षित है वो आप कम से कम कीजिए, और एक्स्ट्रा अगर आप कोट करो तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। ओके हाँ यस वो तो है प्रभु जी, ऑब्वियसली मैक्सिमम भाग, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक मिलता है तो ऐसा लगता है ये कोट कर सकते हैं क्या, इसलिए मुझे लगा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होता होगा वो, नहीं, उसके लिए आपके बस मार्क्स कट रहता नहीं, है। आपको बेनिफिट मिलेगा दोनों तरफ से, माया देवी से और मैं स्पीकर से। तो लेकिन आपको देखना कि आपका जो लिमिट है वर्ड्स का लिमिट, उसको भी आपको ध्यान में रखना यस है। यस तो आप सिर्फ उसमें लिख यस सकते हैं यस कि पूरा श्लोका मत लिखिए या पूरा तात्पर्य मत लिखिए, सिर्फ श्लोका नंबर लिखिए और जो कंसेप्ट है वो बताइए कि ऐसा ऐसा है करके, तो जैसे ऐसा इसका ना आपको। प्रभु जी ये जो इनका गुणास का है जो उद्धव गीता है उसमें भी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है उसका, यस बहुत यस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी, तो ठीक है हम मैक्सिमम इसी में से ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, तो ये जनरल हो गया और पहले प्रश्न का, दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो इसमें अभी ये बहुत आसान है, भगवद्गीता अध्याय 14 व 16 में दिए गए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से उन कथनों का उल्लेख कीजिए जो उनका भाव व अभियान के बहु लोगों को दर्शाते हैं, वो अपने शब्दों में इस्कॉन के भविष्य के लिए इन पहलुओं को, पहलुओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसलिए अभी 14वें अध्याय में भगवान ने, प्रभुपाद ने क्या बताया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का उन्होंने विस्तार से बताया, और 16वें अध्याय में क्या बताया, दैवी गुण और आसुरी गुण। तो इसलिए अभी यहां पर हम देखते हैं, जैसे मैंने लास्ट समय कहा कि भगवान ने बताया कि आपको शास्त्र का तो नरक का द्वार है ये, काम क्रोध और लोभ ऐसा करके बताया, तो इसलिए हम सबको शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ भगवान ने बताया कि शास्त्र का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं कि न केवल हमें शास्त्र का पालन करना चाहिए, हमको उसको, प्रभुपाद का मूल मिशन क्या है, भगवान का मूल क्या है कि हमको भगवता, भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद का मूल मिशन क्या है कि हमको सिर्फ शास्त्र को पालन करना नहीं चाहिए, तो अगर उसका पालन नहीं करें तो क्या होगा, तो प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं। फिर बाद में आम आदमी को क्या करना चाहिए वो भी प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो कंपैशन है या करुणा है, तो करुणावश वो ये सब चीजें बता रहे हैं जो आम तौर से उसमें लिखे नहीं गए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद हर जगह लेते कि भक्ति ही हमारा सार है, तो किस तरह से इसे बाहर निकलना चाहिए प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। फिर हमने देखा कि 14वां अध्याय में कि अन्य 15वां अध्याय में कि जो अलग अलग लोग हैं जो कि ज्ञानी नहीं है और भक्त भी नहीं है, ऐसे सामान्य लोग हैं, तो सामान्य लोग भी जो अलग लोगों से सुन के भी उपासना करते हैं वो भी एक प्रकार की उपासना है, ऐसा सिर्फ उस श्लोक में बताया 15वां अध्याय के। लेकिन प्रभुपाद उसको लेकर
इतना एक्सप्लेन कर दे कि ये जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग हम ही हैं, तो हम ही इधर उधर सुन के अभी हम भक्ति में लग गए हैं, फिर अभी हम कुछ भी, फिर इस तरह से प्रभुपाद उसको पूरा विस्तार करके बताता कि इधर उधर का नहीं सुनना चाहिए, हमें भक्तों का ही सुनना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए, केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। तो इतना सब प्रभुपाद डिटेल में बता रहे। तो इसका ये प्रभुपाद का मूल मिशन है कि लोगों को केवल ज्ञान नहीं देना, तो उनको परिवर्तन करना, ये प्रभुपाद का मूल मिशन है। फिर आगे हमको देखना है कि इस्कॉन में जो भक्त है, हम सब इस्कॉन के भक्त है, तो अगर इस्कॉन के भक्त हम देखते हैं कि रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो फिर उसका क्या भविष्य होगा? तो जैसा गुण है वैसा भविष्य होगा। इसलिए अगर ज्यादातर भक्त भक्ति शास्त्री कितने लोग कर रहे हैं इस्कॉन में? बहुत ही कम। फिर अगर भक्ति शास्त्री नहीं करे तो फिर आपको ज्ञान नहीं है। तो मतलब अगर आपको ज्ञान नहीं है या आपको ज्ञान अभी हो भी गया, फिर भी रजगुण तमोगुण थोड़ी गया है आपको, सिर्फ हम सबको ज्ञान हुआ है कि सतगुण क्या है, रजगुण क्या है, तमोगुण क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे बाहर निकल गए, उससे बाहर निकले हमें और प्रयास करना पड़ेगा। तो इस्कॉन में बहुत सारे भक्त है लेकिन उनको ज्ञान में नहीं है, भक्ति शास्त्र किया ही नहीं है, किया है तो बस ऑनलाइन, मतलब अभी ऑनलाइन में क्या, आपको वीडियो, आपका वीडियो तो बंद रखना रहता है, टीचर को पता चला कि वो स्टूडेंट है कि सो गया, तो उसका सिलेबस तो कम्प्लीट हो गया ऑफिशियली, लेकिन उसके दिमाग में कितना गया, उसने कितना फॉलो किया, वो कोई नहीं देख रहा, या सिर्फ भगवान ही हमारे भी देख रही है। तो फिर रजोगुण तमोगुण उसको ज्ञान ही नहीं हुआ, उससे फिर बाहर कैसे निकलेगा? तो कलयुग में जो भी लोग हैं तो वो रजोगुण तमोगुण से भरे हुए हैं। तो इसलिए अगर आप सतोगुण में है लेकिन आपके जो बाकी भक्त है या दोस्त है अगर वो रजोगुण तमोगुण, तो फिर वो आपको प्रभावित करेगा। इसलिए फिर जैसे इस्कॉन में भक्त होंगे तो वैसा इस्कॉन का भविष्य होगा उन गुणों के हिसाब से। इसलिए अगर कोई प्रभावशाली भक्त है और वो सतोगुण में है तो फिर उनका भविष्य सतोगुण ही होगा। कोई प्रभावशाली भक्त है जो बहुत ही रजोगुण में है तो वो उनको रजोगुण की तरफ लेके जाएगा, और कोई तमोगुणी भक्त है तो उनको फिर वो हिंसा करेगा ना, चिल्लाएगा, पीटेगा, जबरदस्ती कंपल्सरी करेगा, डराएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको हम काउंसलिंग रूप से निकाल देंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको हम मंदिर से बैन कर देंगे, अगर आप भगवत गीता क्लास में रेगुलरली नहीं आएंगे, हमारे काउंसिल मीटिंग में नहीं आएंगे, अगर आप भागवतम क्लास में नहीं आएंगे तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ये डर दिखा के मोटिवेशन करेंगे, मतलब क्या है, तमोगुण का मोटिवेशन हो गया। तो फिर जो व्यक्ति है वो, जो डरने वाले व्यक्ति, वो इसको फॉलो करेंगे, हाँ अरे हमको खाना मिल रहा है, खाना चाहिए, तो फिर हम आएंगे क्लास में। तो जैसा आप लोगों को मतलब जो दिखा के आप लोगों को प्रेरित करेंगे तो वो उसी तरह के लोग उसको देख के प्रेरित होंगे। तो अगर आप डर दिखा के लोगों को अगर कुछ काम करोगे भक्ति में, तो फिर जो डरने वाले लोग या डरने के स्तर पर जो लोग, यानी तमोगुण जो लोग, वो ही आपके फॉलोअर बनेंगे। तो फिर वैसा होगा उसका भविष्य, इस्कॉन का भविष्य, आपका भविष्य या आपके घर का भविष्य। तो इसलिए फिर आप आपका मत व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य द्वारा हमें ये जान, और प्रभुपाद के मूड के द्वारा इस्कॉन में भक्तों को बहुत आवश्यकता के ऊपर ट्रेनिंग की जाए, तो भक्ति शास्त्री पढ़ाया जाए, भक्ति शास्त्री पढ़ाने के बाद उनको कितना समझा उसका भी एक परीक्षा किया जाए, भक्ति शास्त्री होने के बाद 2 साल के बाद वापस एक परीक्षा की जाए कि उसने कितना किया है। तो सब लोग ये परीक्षा ज्यादा हो रहा है, तो वापस वाले एक परीक्षा आप ऐड कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा आप सिर्फ आपका विचार उसमें व्यक्त कर रहे हैं, आपका विचार व्यक्त करने से थोड़ी वापस परीक्षा कर देंगे हम। तो ऐसा आप व्यक्त कर सकते क्या आपका विचार है, तो किस तरह से अधिक लोगों को भक्ति शास्त्री सिखाया जाए ना, या भक्ति शास्त्र की बिना किसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए, तो उससे क्या क्या फायदे नुकसान है, तो ऐसा आपको चर्चा करना है। तो प्रभुपाद का क्या मिशन था, प्रभुपाद का ऐसा मूड था कि हमको लोगों को प्रचार करके भक्त बनाना चाहिए, अधिक से अधिक हमको लोगों को करुणा देनी चाहिए। तो लेकिन करुणा इतनी देर से फिर हम खुद पढ़ाई करने को समय नहीं मिल रहा है, तो फिर पहले पढ़ाई करनी चाहिए फिर बाद में करुणा देनी चाहिए।
तो फिर वो करुणा उच्च स्तर की होगी, क्योंकि वो खुद व्यक्ति भी उच्च स्तर पर है। तो जितना प्रचारक उच्च स्तर पर है, तो फिर वो जो प्रचारक है, वो उस जिन लोगों को प्रचार करे, वो भी उन लोगों को उस स्तर तक लेके जा सकता है। तो ऐसा आप अलग अलग पहलू से, एंगल से, विचार से, आपका जो उत्तर देने का जो लिमिट है वर्ड्स का, उसमें आप आपका व्यक्तिगत मत व्यक्त कर सकते हैं कि इसको उनका भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम, सिर्फ आपको चर्चा करना है। इसको उनका भविष्य तो भगवान देख रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं, जीबीसी वो देख रहे हैं, लेकिन उसमें आपका क्या विचार है एज पर भक्ति शास्त्री। तो आपको आपका जो भूमिका है वो आपको निभाना है। तो दो भूमिका है आपको, एक आपका भूमिका एग्जाम में आपका उत्तर दे के निभाना है, और दूसरा भूमिका है कि आप जो भी इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, तो आपके नियंत्रण में जो भी चीजें हैं उसको आप प्रयास कीजिए पालन करने का, जो आपने इस आंसर में लिखा है या जो आपने किताब में पढ़ा है। और जो लोग उसको नहीं पालन कर रहे, आप उनको सिर्फ देख के समझ जाइए, फिर उनको बताना है कि नहीं बताना है, वो फिर आपको देश काल परिस्थिति और पात्र, और उस पात्र के साथ आपका जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है माता जी, प्रभु जी, सब लोग। तो हाँ ठीक है, यस प्रभु जी। ये ओबीए हो गया। तो इसमें ये जो ओपन बुक क्वेश्चन है, इसमें आपको कितना समझ, आपकी समझ की परीक्षा होती है कि कितनी तरह से, कितनी अच्छी तरह से आपने तत्व को समझाया है या भगवद को समझ में आया। इसलिए इसमें कॉपी आप मत कीजिए, आपका व्यक्तिगत लिखिए। तो ये जो भगवद गीता है अभी हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है, और ये महाप्रभु का मूवमेंट है, चेतन महाप्रभु का मूवमेंट है। तो इसमें आप फेल नहीं होंगे, लेकिन आप फेल होगा, आपको सिर्फ प्रयास नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। तो आपको आपका योग्य प्रयास करना है, और फिर बाद में भगवान जो करेंगे वो होगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका ओबीए। अभी हम शुरू करेंगे क्लोज बुक एग्जाम। तो ये जो श्लोक है आपको कंटेस्ट करने होंगे, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, तो अभी हम रेगुलर रूप से उसका उच्चारण करें, तो इसके बताने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे। तो बंद पुस्तक परीक्षा के लिए प्रश्न, तो कहनी ठाकुर बाबू इसका प्रश्न पढ़ सकते हैं, पहला प्रश्न। पहले माइक को अनम्यूट कीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम माइक में। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, 13वां अध्याय का पहला प्रश्न। तो प्रकृति, पुरुष एवं नियम शब्दों का हिंदी में तात्पर्य लिखिए। तो प्रकृति मतलब क्या? तो प्रकृति के तीन गुण। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछते, मुझे प्रकृति में पुरुषम चाहिए, हुआ जो पहला श्लोक है, तो उसमें वो पूछ रहे। तो प्रकृति क्या था? प्रकृति के तीन गुण। पुरुष मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण, या जो भगवान है उसका। और नियम मतलब जानने योग्य। तो जानने योग्य कौन है? तो भगवान परमात्मा है, भगवान कृष्ण। तो इसका ये अर्थ हो। तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि प्रकृति मतलब प्रकृति के तीन गुण। तो इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव का सृष्टि होता है, तो वो प्रकृति। और पुरुष मतलब जो कि भोक्ता है। तो पुरुष जो है, तो दो प्रकार के पुरुष होते हैं। तो एक तो जो आत्मा है, जो खुद को इस प्रकृति को भोग रहा था, वो एक पुरुष है। दूसरा एक परम पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, या जो भगवान है या परमात्मा है, तो वो एक पुरुष है।
जो सब देखता है लेकिन कुछ भोग नहीं करता, तो ऐसे दो पुरुष है। और तीसरा नहीं है मतलब क्या, तो जानने योग्य क्या है, तो पुरुष के क्या क्या प्रभाव है और दोनों में क्या अंतर है, उनका क्या संबंध है, तो वह नियम है। तो आसान सवाल है। नेक्स्ट 13.5। तो शीतल मान जी आप इसका प्रश्न पढ़ सकते हैं। पढ़ो प्रभु जी। हाँ यस। तैतिरीय उपनिषद 2.6 के अनुसार ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा के 5 तरह के नाम लिखिए। हाँ तो ये बहुत ही आसान सवाल है। रोज में एग्जाम मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति कक्षा 5वीं को पास कर चुके हैं 5th स्टैंडर्ड, तो ये सभी लोग इसमें से पास हो सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं आप पूछे तो उसको बता देता हूँ। तो जब हम परीक्षा दे तो उसका परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे वो बताया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न भी बताया गया और उसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। तो आपको इसका उत्तर अगर प्राप्त करना है तो वो जो श्लोका नंबर से तात्पर्य में जाके आप उसका अगर तात्पर्य एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इसका तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो मैं एक बार उसकी भी चेक कर दूंगा। जी मैं बताऊं क्या? हाँ नहीं ये बहुत आसान है, मैं मेरा स्लाइड दिखा रहा हूँ इसलिए। नहीं मैं एक्चुअली ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं स्लाइड क्यों दिखा रहा था कि उनको याद रहेगा, आवश्यकता होने पर विस्मृति। प्रभु जी एक चीज हमको ये भी बोलनी थी कि जैसे क्वेश्चन के मार्क्स अगर होते हैं ना तो हमको समझ आता है कि क्वेश्चन का आंसर हमें विस्तार से देना है या एक शॉर्ट में देना है, तो वो कैसे समझ में आएगा हमको? नहीं ये जो क्लोज बुक के क्वेश्चन है ना मतलब वो 1 मार्क ही होते हैं। ऐसे नहीं प्रभु जी, पिछली बार जैसे हुए हैं ना, मतलब 2 नंबर का भी तीन आता मार्क है, 4 मार्क भी होता है। 3 मार्क का, 3-4 मार्क का भी होता है, तो इसीलिए क्या फिर हमको समझ नहीं आता है। फिर उस टाइम पे क्या जो पेपर आता है, पेपर में आता है ना, तो लगता है भी इसमें डिटेल नंबर समझ के तो समझ में आता है डिटेल में लिखना है या शॉर्ट में लिखना है, लेकिन अगर पहले पता चल जाए ना तो हम उसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं ऐसा। हाँ नहीं इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला मतलब जी आप प्रश्न को देखिए और उसके उत्तर को एक बार पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्रह्म पुच्छ के 5 स्तर क्या है, तो अगर 5 स्तर है तो मतलब 5 स्तर मतलब 1 स्तर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, तो ओके फिर वैसे 5 मार्क्स का हो गया ये। तो अगर उनको आप थोड़ा डिटेल तो लिखना पड़ेगा ना, 5 मार्क नहीं मिलेगा उनको, आधा हाँ आधा तो मार्क रहेगा तो 28 मार्क रहेगा। इसे आप क्या कीजिए, आपको जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको दोनों तरह से तैयारी करना है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग में भी, फिर आप मार्क्स देख के उसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसे ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि 5 स्तर है ब्रह्म पुच्छ के, तो पहले अन्नमय स्तर, फिर बाद में मनोमय स्तर, प्राणमय स्तर, फिर मनोमय मत, फिर ज्ञान विज्ञानमय और आनंदमय। तो ये हमने देखा था कि किस तरह से जो अन्नमय व्यक्ति होता है वो सिर्फ अन्न के बारे में सोचता है, फिर प्राण के बारे में वो खुद के बारे में सिर्फ सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, फिर ज्ञान में मतलब वो कैसे अलग अलग जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं उसको हम ज्ञान में कहते हैं, फिर विज्ञान में मतलब कौन, तो जो लोग भगवान या आत्म साक्षात्कार के पथ पर पथिक है तो वो है विज्ञान, जैसे हम सब भक्ति शास्त्री के पथ। और आनंद में मतलब जो शुद्ध भक्त है जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, तो वो जो स्तर है 5वां स्तर, तो वो है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा या ब्रह्म निरेश। तो फिर अगर आप उसको सिर्फ 2.5 मार्क दो, फिर आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिए, अगर 5 मार्क तो आप एक ही लाइन लिख सकते हैं इसका क्या होता है, फिर ये तीसरा प्रश्न, इस संसार के 24 तत्वों का नाम लिखिए। तो ये सबसे आसान सवाल है, तो मैं आपको बोलता हूँ उसको याद भी कैसे रखना है। तो
इस संसार के 24 तत्व, तो 24 तत्व मतलब 24 घंटा आपको इसका ध्यान करना है। तो ऐसा 24 24 आप याद रखिए। तो पहले क्या है कि महाभूत, तो इसका जो उत्तर है 24, तो 24 मतलब 2 प्लस 4 6 हो गए। तो देखिए 13 पॉइंट, ये 6.7 है, तो छठवे 24 का आप ऐड कीजिए, 2 प्लस 4 6 हो गए। तो इसलिए छठवें श्लोक में इसका वर्णन किया है। तो उसका शुरुआत क्या, महाभूतानि अहंकारो। तो याद कैसे रखना कि अगर मैं 4 बजे उठूंगा तो मुझे भगवान दिखेंगे, और अगर मैं 5 बजे उठूंगा तो मुझे भूत दिखेंगे, ऐसा याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो भूत भूत भूत, तो महाभूतानि अहंकारो, तो 5 भूत आपको याद रखना। तो 5 कौन से भूत है, तो पृथ्वी, जल, आप अग्नि, तेज वायु वायु और आकाश आकाश। ठीक है, तो महाभूतानि अहंकारो, तो ये आप 5 भूत को याद रखें तो आपका उत्तर मिल गया। तो सुबह 5 बजे उठकर आपको 5 भूत दिख गए। ठीक है, तो आपको कैसे था ना, 5 भूत आपको पता है, ये 5 आपको भूत कैसे दिखे, आंखों से दिखे ना। तो इसलिए फिर आपको आंखों से आपको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान इंद्रिय हो गई ना, इसलिए 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी है। तो पृथ्वी को आप कैसे देखेंगे, पृथ्वी से अभी वापस पृथ्वी शुरू, सबसे भारी कौन सा है, पृथ्वी। फिर उससे हल्का क्या है, पानी। फिर उससे हल्का क्या है, अग्नि। उससे हल्का क्या है, वायु। और सबसे हल्का आकाश है। ठीक है, तो 5 भूत आपको दिख गए। भूत कैसे दिखे, आंखों से मतलब इंद्रिया से, ज्ञान इंद्रिया। आपको ज्ञान कैसे मिला, भूत का आंखों से मिला। फिर बाकी का ज्ञान कहाँ से मिलेगा, बाकी इंद्रिया से। इसलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो तत्व है वो है स्वाद। तो पृथ्वी का ज्ञान कहाँ से मिला, जीवा से, है ना। टेस्ट जो है वो पृथ्वी का गुण है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, जल। तो उसका क्या है, तन्मात्रा है, तो उसके साथ आपको चलना है। तो हम चाहे तो उल्टा जाएंगे। तो पहला आकाश है, सबसे सर। हल्का। तो आकाश को हम कैसे देखते हैं, कानों से। मतलब आकाश का अनुभूति हमें कानों से होता है। फिर दूसरा है वायु, उससे उससे थोड़ा भारी। वायु को हम कैसे देखते हैं, स्पर्श से, स्किन से देखते हैं ना। अगर फूक रहा तो मुझे फीलिंग हो रहा है, गर्मी ठंडी। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा भारी पदार्थ कौन सा है, अग्नि। अग्नि को कहते हैं रूप, अग्नि का जो गुण है वो है रूप। अग्नि को कहते हैं आग। फिर जल, अग्नि का क्या अग्नि का जी, टोला तो रूप, रूप अग्नि का रूप है। ठीक है, तो इससे आपको एक, अगर आपको 5 भूत दिखे तो आपको 15 चीज पता चलेगी। तो कौन सा तत्व है, फिर उसको कैसे, कौन से इंद्रिय से देखते हैं, और उसको क्या देखते हैं। तो अग्नि से क्या आपको, आग से दिखती है, और उसका रूप है, रूप। रूप अग्नि का भाव क्या, रूप। रूप कैसे देखते हैं, आग से ना, इस तरह से। नेत्र फिर लिखना चाहिए ना अग्नि को, क्या हाँ लिखना है। अग्नि, हाँ अग्नि को नेत्र लिखना है आपको, याद रखना है आपको। अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 24 तत्व है ना, उसको कैसे याद रखना है आपको बता रहा हूँ मैं, कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसको। तो इसलिए 5 तत्व क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर 5 ज्ञानेन्द्रिया है ना। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया जो है, तो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय जो एक एक तत्व को देखती है, ऐसा आप याद रख एक सकते हैं। क्या बताया था, एक मिनट, आपको मैं PPT दिखाता हूँ। क्रिएशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखेगा, देखो तो जो गंध है वो पृथ्वी से आती है। ठीक है, तो 5 भूत कौन से हैं, महाभूतानि अहंकार। तो पहले 5 भूत कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर
चुनिंगे तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा मतलब जो वो चीज देखते हैं हम, तो आकाश जो है हमको ध्वनि उसमें दिखती है, वायु में स्पर्श हमको मिलता है, अग्नि से रूप मिलता है, जल से स्वाद मिलता है, तो पृथ्वी से गंध मिलता है, सिंपल ठीक है। फिर पांच कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया, यहाँ पर हम देखेंगे ज्ञान इंद्रिय कौन सी, नासिका। तो नासिका को हम कैसे याद रखेंगे, तो नाक से क्या आता है, खुशबू या बदबू आती है कि नहीं? दोनों चीज हाँ, तो इससे गंध आती है कि नहीं, गंध। तो ये पृथ्वी और नाक का संबंध है, आप समझिए कि नहीं। तो अगर आपको पृथ्वी मिलेगी तो आपको गंध भी मिलेगी और नाक भी मिलना चाहिए, तो तीनों आपको याद रखना। तो जीवा से क्या आता है, स्वाद आता है। स्वाद जल किसका तत्व तो है, जल का है ना। तो नेत्र है, नेत्र से आपको क्या दिखता है, रूप। और रूप किसका गुण है, अग्नि का। फिर त्वचा है, त्वचा में क्या होता है, गर्मी ठंडी या स्पर्श होता है, तो वो किसका है, वायु का। और कर्ण में क्या है, आपको सुनाई देता है, वो आकाश में ध्वनि सुनाई देता है इस तरह से। तो इसलिए आकाश वायु ये हो गए पांच, और उसके तन्मात्रा पांच हो गए, और उसकी इंद्रिया पांच हो गए। तो ये अभी कर्म इंद्रिया हो गए, फिर ज्ञान इंद्रिया हो गई, फिर कर्म इंद्रिय क्या है, तो हाथ पैर वाणी गुदा और जनेन्द्रिय। तो ये आपको सब याद रखना है पांच, ठीक है। तो ये क्यों हो गया, टोटल 20 हो गए। सिर्फ आपने एक बार भूत देखा, आपको 20 चीज याद हो गई। आपने भूत देखा, भूत पांच प्रकार का था, फिर भूत को कैसे देखा, ज्ञान से, तो ज्ञान इंद्रिय पांच हो गई। और क्या देखा, तो देखना जो है वो तन्मात्र है, फिर उसके पांच तन्मात्र को याद हो गए। फिर इंद्रिय से देखा, आंखों से देखा, और फिर आप पैर से भागे, हाथ से भागे, तो फिर आपकी कर्म इंद्रिय हो गई ना। फिर आपको टॉयलेट आ गया है ना, आपको बाथरूम आ गया भूत को देख के, तो इसलिए 10 पांच कर्म इंद्रिय हो, तो ऐसे 20 हो गया। फिर बाद में आपको मन में भय लगा, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, और आपका अहंकार चूर चूर हो गया। तो मन बुद्धि अहंकार, और आखिरी है महत्त्व। तो अम्मा इस तरह से 24 तत्व पूरे हुए। महातत्व का हाँ, प्रधान या महातत्व आप ले सकते हैं, प्रधान प्रधान। तो इसका एकदम सिंपल है, आप छठवें और सातवें श्लोक का तात्पर्य पढ़े आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ एग्जाम में पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि में अवस्थम। इसमें दिया है महाभूतानि अहंकारो, तो महाभूत मतलब पांच महाभूत, अहंकार बुद्धि और अव्यक्तम मतलब ये। फिर इंद्रियाणि दशैकम, 10 इंद्रिया है, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, और पंच इंद्रिया गोचर, मतलब इंद्रिय गोचर, मतलब इंद्रिय से जो हम देखते हैं वो चीज। तो इस तरह से इसमें क्या, ऐसे रट्टा मारना, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये आपको सिर्फ याद करना है इसमें। फिर अगला है, संस्कृत या हिंदी में ज्ञान के 20 विषयों का वर्णन कीजिए। तो ये तो रीता माता जी ऑलरेडी लिखा हुआ है अपने नोट्स में, और आपके भक्ति शास्त्री के नोट्स में भी दिया हुआ है, तो इसका जो उत्तर है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। देखो ये आपका मायापुर इंस्टीट्यूट का मैनुअल है, उसका उत्तर आपको सीधा अंत में जाना है, और इसमें दिया देखो। तो छोड़ देना। हाँ सबको सबको छोड़ के साथ सब कुछ क्यों छोड़ के तो इसमें आपको 13 क्रमांक 8, 30.8 से लेकर 12 तक आपको श्लोक जो दिया है, तो उसका आपको वर्णन करना है।
अमानितो मदम मित्रो महिंसा शांति राज आचार्य उपसम से आत्मा इंद्रिया अर्थिशु वैराग्य अहंकार तो ये जो आपका हैंडबुक है इसमें इसका उत्तर दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 58 पर, पेज पेज नंबर नंबर अच्छा 50, 58, ये 50 नहीं सॉरी 68, विनम्रता दमहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता। तो ये सब चीज आप ऐसा याद करोगे आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप श्लोक याद कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने। तो इसलिए आप कृष्ण मेरा प्रभु जी, हरे कृष्ण और भी इसमें क्या बीच का नाम लिखना है ना, इसमें जैसे वर्ण लिखा, बीचों का नाम लिखना है ना ज्ञान के बेस हाँ वर्ण पे। मतलब यस, अभी आपको मार्क्स कितने उस पर डिपेंड है, तो आपको उसका एक शब्द लिखना है कि जैसे अभी रंगता जैसे है विनम्रता उसमें। है तो उसमें आप उसने विनम्रता और आगे लेने के दूसरे के सम्मान पाने की तुष्टि के लिए व्याकरण न होना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या केवल अच्छा, विनम्रता क्या लिखा तो नाम भी नाम लिख कर उसका आगे एक्सप्लेन एक शब्द में लिख दे, मतलब कि आपको अगर जो प्रश्न चेक कर रहा है अगर उसकी अपेक्षा नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा लिखें तो फिर आप सिर्फ एक शब्द भी लिख सकते हैं, करना। लेकिन अगर उसका विस्तार लिखेंगे तो फिर चेक करने में पता चलेगा आपको उसको समझ में आएगा। तो आप आपका समय और उसका जो आंसर है या कितना मार्क्स उसको दिया उसके सामने लिख सकते हैं। मतलब प्रभु जी ये सारे लिखने हैं, ये सब लिखना है क्या? इंद्रिय हाँ सब लिखना है क्योंकि 20 पूछा है ना, सहिष्णुता 20, सरलता सब। हाँ 20 लिखा ना, 20 विषयों का। तो देखो ये 1 2 3 आप इसको कहने के टोटल 20 हो गए। तो अब इसमें आपको याद करना होगा, इसको याद कैसे करेंगे अभी तो मैं आपको टिप बोलता हूँ। तो इसमें एक ही है कि आप इस श्लोक को याद कर लीजिए, अगर आप इसको याद कर लेंगे 8 9 10 11 12 तो आपको 12 20 20 आ जाएंगे। तो एकदम सिंपल है, अमानित फॉर्म। तो सबसे पहले हमें विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। 13वें हाँ अध्याय का 8 9 10 बोल रहे हो ना? 13वां अध्याय का 8 से लेकर 12 तक। तो इसमें आपको सब समझ चुका है और आपको इसको याद करके लिखना है बस एज इट इज। मतलब प्रभु जी ये जो लिखना है ना, जैसे दमहीनता है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है। अच्छा, हाँ उस गुण को लिखना है और इस गुण का वर्णन गुणों करना है कि इसका क्या अर्थ होता है। का। अच्छा, मतलब एक साइड उसका गुण लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब 20 के सारे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना। हाँ ये देखो अभी आपको दिख रहा नहीं है, जैसे लिखा है नोट्स हाँ, में वही वैसे। फर्स्ट इज एक्सप्लेन, वही 20 के एक्सप्लेनेशन। इसमें समय लगेगा, बड़ा भी है, लेकिन अभी जो जरूरी हो तो करना पड़ेगा भक्ति शास्त्री होने के लिए। तो लेकिन लिखा हुआ आपको है सब जो इसके आगे लिखा है वही वही लिखेंगे ना। हाँ यस वही लिखना है, बस आपके शब्द में लिखिए, एज एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं, आपके शब्दों में भी लिख सकते हैं या अपने आपको शब्दों में लिखेंगे तो ज्यादा इजी और ध्यान में रहेगा ना प्रभु जी। यस यस। तो ये सिर्फ आपको एक अंदाज दे रहा है कि क्या अपेक्षित है हाँ इस तरह से। इसको आपको अभ्यास करना होगा तो फिर आपको आ जाएगा। और अगर आप श्लोक याद कर सकते तो फिर आपको और भी आसान हो जाएगा। श्लोका के ट्रांसलेशन में ही सब समझ में आ जाएगा ना। यस। तो अगला सवाल है, महत्व तो क्या है? तो सारी सृष्टि को करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो महत्व तो में समाई होती है, उसी से प्रकट होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं महत्व तो शॉर्ट में।
अध्याय का ना प्रभु जी? हाँ, 14 अध्याय का तीसरा श्लोक, तीसरा। हाँ उसमें दिया है, आप जो ये देखेगा ना। ब्रह्मा भी बोल सकते हैं ना आपको? नहीं, ब्रह्मा अलग है, महत्व तो अलग है। एक बार फिर से बोले, महत्व तो क्या है? हाँ, एक मिनट सृष्टि का सामग्री एक मिनट। तो महत्व को समझने के लिए आपको वो क्लास वापस देखना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये हाँ तुमने देखा कि सृष्टि जब होती है तो ये प्रधान होता है, जब ये प्रधान कार्यशील हो जाता है तो उसको महत्व कहते हैं। देखो ये महत्त्व है जो अभी घूम रहा है, तो महत्त्व में सारी सृष्टि की सामग्री होती है, तो अप्रकट रूप में। हाँ यानी प्रभु जी सारे सृष्टि की सामग्री को ही महत्व तो कहते हैं ना, अप्रकट रूप में। अप्रकट रूप में। तो सृजन से संबंधित जितने भी गुण हैं या जो भी चीजें हैं, तत्व है, वो सब का समावेश महातत्व में होता है अप्रकट रूप में। तो जैसे जैसे वापस महत्व बताइए ना प्रभु जी, समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, थोड़े से स्लो आवाज है। एक बार वापस रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ यस। तो सृष्टि के निर्माण हेतु जो भी हमें सामग्री चाहिए या जो कार्य जो भी तत्व चाहिए, तो वो सभी अव्यक्त रूप में महातत्व में विराजमान होते हैं। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, या फिर अगर एक लाइन में लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब प्रधान कार्यशील होता है तो उसे ही महत्त्व कहते हैं। जो प्रधान अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं जो प्रधान है, लेकिन जब ये कार्यशील हो जाएगा, जब घूमने लगेगा, तो उसको महत्व कहते हैं। अगर आपको एज इट इज लिखना, तो आप प्रपद के जो तात्पर्य उसमें देख सकते हैं, प्रपद क्या लिखा है, तो उसका भी लाइन आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी इसमें लिखा है, महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। प्रभु वो भी लिख सकते हैं जी चौथे का ना, जब प्रधान कार्यशील होता है तो उसे महतत्व मतलब। कहते हैं, हाँ ये चौथे का ना प्रभु समझने, जी? हाँ ये समझने के लिए है, लेकिन आप एग्जाम में जो है जैसे माता जी ने पढ़ा, वो आप लिख सकते हैं जो कि अधिकृत लग रहा है। ये प्रभु जी 14.3 के तात्पर्य में तीसरी लाइन है। हाँ मतलब अलग अलग जगह पर प्रभुपाद ने अलग अलग रूप से उसका वर्णन किया है, लेकिन अभी हमको जो सवाल पूछा गया है तो उसके हिसाब से आप या उत्तर महत्व वाला दीजिए। तरी ब्रह्म पण म्हटला आहे का तो हाँ पुढचे ओळ आहे। तो महत्त्व क्या है, अभी 14 अध्याय में पूछा है तीसरे श्लोक क्रमांक में, तो फिर आप 14 अध्याय में जो लिखा है वही वाला वो उत्तर उसमें लिखिए। फोर्टीन पॉइंट थ्री में जाएंगे। ये महत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो ये जो है, तो ये महत्व में ही जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है, और उसी में फिर ये सब समग्र वस्तु भी होते हैं, प्रकृति तीन गुण जो प्रकट होते हैं जिससे से समय आगे चलता है वैसे। ही लीला तरी चालेल ना। ओ यस। तो आपको इसमें बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जैसा
वो जो प्रबल प्रवण दिया है वैसे का वैसा आप कॉपी करके लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते तो फिर आपके भाषा में भी आप लिख सकते हैं, आप कौन सा समझता है वैसे वैसे भी चलेगा। फिर ये 14.6 सबसे आसान सवाल, रोजी पांचवा क्वेश्चन कौन सा बताया था, समझ नहीं आया वो। महत्त्व क्या है? महातत्व नहीं, तो जब प्रधान कार्यशील होता है तो उसे महातत्व तो कहते हैं। आप ऐसा लिखिए, देखो अभी स्क्रीन में दिख रहा है आपको, आप शेयर करता हूँ। महत्त्व तो ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण, ऐसा लिखिए। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ फिर ठीक हाँ, फिर ये बहुत ही आसान सवाल है, मैंने बहुत पूछे। सत्वगुण में अवस्थित लोग किस प्रकार से होते हैं, कोई बताएगा इसमें? की ज्यावेळेस त्याला असं वाटतं मनुष्य सत्वगुण फिर त्यावेळेस त्याला आपण असा भ्रम होतो की आपणच अधिक ज्ञानी आणि इतरांपेक्षा श्रेष्ठ होतो आणि यामुळे तो समृद्धीमुळे बद्ध होतो। हाँ, माता जी हिंदी में बोलिए, बाकी लोग हिंदी माता में। जी हिंदी में मुझे बोलो। हिंदी में बताए हाँ, हिंदी में। सुख और आनंद से बताए होते हैं सुख और ज्ञान, सुख और आनंद नहीं, देखिए, ज्ञान सुख और से। ज्ञान। ज्ञान से हाँ तो हिंदी का जरा प्रॉब्लम है मेरा। हाँ, तो अभी हम इसमें उसका उत्तर देख सकते हैं। ये छठे से चालू होता है, देखिए इस श्लोक में दिया। एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, तो ये बहुत आसान है, आपको दिखाता हूँ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध करने वाला, और वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। सिंपल, कहाँ पर मुझे देखो। ये 14वां अध्याय का 6ठा श्लोक है, उसके अनुवाद में ही बताया इसका उत्तर। हाँ, अच्छा, ये निष्पाप बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको आपका भक्ति शास्त्री का किताब ओपन करना है, और उसमें उसका श्लोक नंबर दिया हुआ है, तो उसके अनुवाद में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो दूसरा आप देखेंगे, जैसे अभी रजोगुण किस को कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसका भी उत्तर वही है कि आपको 14वें अध्याय के अनुवाद में देखना है। तो कृष्णा, भोग और कृष्णा, तो सारा ही लिखेंगे पर हाँ नहीं, आपको अभी जैसा मार्ग वैसा लिख सकते हैं। रजोगुण की उत्पत्ति इसे असीम आकांक्षाओं का तथा तृष्णाओं से होती है, और इसका कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। ऐसा आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रभु जी रिपीट करेंगे फिर प्लीज से तो बोले। देख देना। हाँ, रिपीट कुछ नहीं है, आपको आपको भगवदगीता आवाज ही क्या हो रहा है, ये देखो भगवदगीता का सातवां श्लोक। अध्याय का 7वां श्लोक है ना ये। अच्छा हाँ, 7वां श्लोक है, तो उसमें उसका अनुवाद आप पढ़िए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। है ना। फिर जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर आपको 8वें श्लोक के अनुवाद में मिल जाएगा। अगला सवाल कौन सा है? सत्वगुण तमोगुण हाँ, तमोगुण के रजोगुण 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तमोगुण हाँ के 3 परिणाम क्या है? तो आलस, निद्रा और प्रमाद। ठीक सिंपल, अभी हमने इसको बहुत बार चर्चा किया, आगे आगे भी चर्चा करेंगे इसको, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा अपेक्षा कि आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि सतोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, इसलिए सवाल आपको पूछ रहे हैं। मैंने ये सवाल आपको सबसे ज्यादा पूछा है, तो आप क्लास में अगर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो आपको सब प्रश्न आसानी से आ जाएंगे, और ध्यान नहीं भी देंगे तो भी इसका उत्तर भी दिया हुआ है।
कौन से इसमें दिया है? कहां प्रभु जी इसका उत्तर? प्रभु जी इसमें तो तीनों परिणामों का उल्लेख करना होगा ना, ऐसे तो लिखना होगा। हाँ उत्तर से प्रश्न में दिया है, 14.8 का प्रश्न है तो उसका उत्तर भी 14.8 में आपको मिल जाएगा। तो परिणाम क्या होते हैं तमोगुण के संघर्ष में? परिणाम क्या होता है? आलस आता है, निद्रा आती है, प्रमाद आता है, यही परिणाम है ना। तो ये आपको लिखना है। इसमें कोई डाउट किसी को? आलस, निंद्रा और पागलपन क्या है? प्रमाद। नहीं, प्रमाद, प्रमाद, पागलपन नहीं, प्रमाद, वो भी एक प्रकार का पागलपन ही है। तो इसलिए कक्षा पांचवी का अगर आप एग्जाम दे सकते तो ये आप एग्जाम दे सकते। ये देखो मैं आपको अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये हमारा प्रश्न है जो इसमें दिया है मुझे। तो थोड़ा बड़ा करें तो समझ भी आवे, दिखाई नहीं दे रहा वो। हाँ मैं बड़ा कर दूँ, तो ये आपका भक्ति शास्त्री का हैंडबुक है, इसमें आपको सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर दिए बस की सूची दी हुई है। कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आएंगे आपको पहले दिए हुए है, आपको कुछ भी इसमें विचार या कुछ चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये सब सारे प्रश्न आपको आपके पास ऑलरेडी है। हमारे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न है आपको पहले दिया हुआ है, और सिर्फ प्रश्न ही नहीं दिया है तो उसका उत्तर भी दिया है कहाँ पर आपको ढूंढना है। यहाँ पर हमने देखा कि तमोगुण में तीन गुणों पर नाम उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है और उसका उत्तर यहाँ पर ही दिया है 14.8। तो आप अगर गीता ओपन करेंगे तो और 14 अध्याय के 8वें श्लोक पर जाएंगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो क्या उत्तर है? तमोगुण के प्रतिफल है पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बच्ची को बांधती है। कहाँ पे प्रज्ञा में तो मिला नहीं हो? नहीं, अनुवाद में पढ़िए, अनुवाद में 14वें अध्याय के 8वें श्लोक के अनुवाद में पढ़िए। हाँ अच्छा अच्छा ये 8वां क्वेश्चन है प्रभु जी? 8वां श्लोक। तो अभी 4:40 हो चुके हैं, तो बाकी प्रश्न भी अगली बार हम लेंगे। तो चलेगा प्रभु, कोई दिक्कत जी। मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप प्रयास कीजिए कि जो आपका हैंडबुक है ना उसमें से जो आपको सवाल पूछे गए हैं उसका आप एक प्रिंटआउट ले लीजिए उसी पेज का। तो उस पेज का प्रिंटआउट लेने से आपको इजी हो जाएगा कि यार ये सवाल पूछने वाला है और इसका उत्तर भी कहाँ का है वो दिया हुआ है, तो उसी प्रिंटआउट के बाजू में या बगल में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये जो है पेज क्रमांक जो है 62 है, 62। तो आपके जो हिंदी भक्ति शास्त्री का हैंडबुक है तो उसके पेज नंबर 62 पर आपको सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपको सवाल जो आपको परीक्षा पूछेंगे उसका उत्तर भी उसमें दिया हुआ है, कौन से श्लोक में आपको उत्तर ढूंढना है, और उसको ढूंढ के आप उत्तर बाजू में लिख देंगे तो आप परीक्षा पास हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। जो ओपन बुक का जो है, तो हाँ फर्स्ट प्रश्न में जो है, पहले प्रश्न में दो प्रश्न हाँ यस, है, तो दो प्रभु भाग जी है जो, उसके। हाँ दो भाग है ना, तो दोनों के 800-800 करके लिखने हैं, दोनों के नहीं, दोनों मिला के 800। दोनों मिला के 800 ना? हाँ अच्छा यही पूछना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपाद की जय। हरे थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण। कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सदुति हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हाँ।